हम मॉडल सेट सॉल्यूशन करेंगे 12th एग्जामिनेशन के लिए। सेट वन का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। फर्स्ट में लिखा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, स्टार से हम लोग बाइनरी ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। ए स्टार बी बराबर लिखा है ए बटा बी प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू स्टार थ्री। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपका जो फाइंड करना है वो टू स्टार थ्री है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा जी, है ना। जो बाइनरी ऑपरेशन जो दिया रहता है ना, उसे थोड़ा सा समझ लेंगे पहले कि आपको ए स्टार बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी को लिखने का तरीका क्या बताया, ए बटा बी प्लस वन, है ना, इस तरह से एक्सप्रेस करके बताया, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करना है टू स्टार थ्री का निकालना है, टू बाइनरी ऑप्शन थ्री का निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए, ए के सामने कितना हो, ए मेरा टू ना हो गया, बी कितना हो गया थ्री हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे, टू अपॉन ए का वैल्यू टू हो गया, यहां पर बी प्लस वन, तो बी आपके पास थ्री है, थ्री प्लस वन, क्लियर। जो फॉर्म आपको देगा एक्सप्रेस करेगा उसी फॉर्म में ए और बी के वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है ना। टू बाय थ्री प्लस वन फोर हो गए, है ना। तो आपके आंसर कितने हो जाएंगे, दो एक का दो दो ना चार, तो वन बाय टू हो गए, ठीक है ना। यानी कि टू स्टार थ्री का जो आपका वैल्यू जो आएगा वो वन बाय टू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइंड, याद करें, कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, ठीक है। तो देखिए यहां पर बनाता हूं सेकंड वाले को, कॉस इनवर्स हाफ प्लस टू साइन इनवर्स हाफ, है ना। तो देखिए सिंपल सा आपको निकालना है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिखा आपने, आपका जो फंक्शन दिया रहेगा उसी में उसका वैल्यू ढूंढेंगे, देखेंगे, है ना। वन बाय टू है, कॉस कितना का वैल्यू वन बाय टू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि पाई बाय थ्री, क्लियर। जो फंक्शन रहेगा ना उसी फंक्शन में इसका वैल्यू लिखें, क्लियर ना। प्लस देखिए दो का दो, ये मेरा साइन इनवर्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये वन बाय टू है, वैल्यूज है, तो वैल्यूज हमको यहां किस में ढूंढना, साइन में ही ढूंढना है ना। तो साइन कितने डिग्री वैल्यू होता है, वन बाय टू, साइन 30 डिग्री का होता है, तो आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय सिक्स, है ना, पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज होता है कि एक इनवर्स का फंक्शन हो, इनवर्स हो, है ना, और एक रियल टर्म हो। जैसे कहने का मकसद मेरा है जी, यहां पर कॉस इनवर्स अगर कॉस थीटा होता है ना इस रूप में, तो इसका वैल्यू लिखते हैं थीटा, ठीक है। तो यहां देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा के रूप में पाई बाय थ्री है, तो हम लोग पाई बाय थ्री लिख देंगे, क्लियर। प्लस टू का टू, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए यहां प्रॉपर्टीज लग जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्म रहता है, तो हम लोग थीटा लिखते हैं, क्लियर। तो ये दो से कट जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, यानी कि पाई बाय थ्री प्लस ये भी पाई बाय थ्री, तो आपको आंसर मिलेंगे टू पाई बाय थ्री, क्लियर। सेकंड देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट संरचना करें, बनाया ए टू बाय टू मैट्रिक्स, है ना, टू और टू बाय टू मैट्रिक्स करने वाला, दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स का जो लिखने का तरीका है जी, ए आई जी का फॉर्म होना चाहिए, और ए आई जे का फॉर्म जो है यहां पर मॉड माइनस फाइव आई प्लस टू जे अपॉन टू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले लेट करेंगे, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना उतना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेट कर लेंगे। लेट ए बराबर वन 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 टू टू वन टू टू, ठीक है। देखिए आपको ये मिल रहा है ना, ऑर्डर कितना दिया था टू बाय टू, ठीक है। देखिए टू बाय टू का मैट्रिक्स आपको मिल गया, एक रो टू, दो कॉलम होना चाहिए एक दो, है ना, टू बाय टू मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एलिमेंट जो दर्शाया हुआ है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट जो फॉर्म दिया हुआ है उसे लिखेंगे ए आई जे बराबर मॉड माइनस फाइव आई प्लस टू जे का मॉड बटा दो, क्लियर ना। तो इसके बाद आपको सारे जो एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स के, है ना, जो भी है सब इसका वैल्यू हम लोग इस पर वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। जैसे देख लीजिए, इसलिए वन वन पहला एलिमेंट है आपका वन वन, तो वन वन कहने का मकसद है आई का वैल्यू यहां वन हो गया, जे का वैल्यू वन हो गया, ठीक है ना। आई एथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए माइनस फाइव इंटू आई लिखा है जी, है ना, तो आई के वैल्यू यहां पर वन है,
प्लस थ्री, सॉरी टू जे, जे का वैल्यू यहाँ पर कितना है सेकंड वाला वन है ना, वन का मॉड बटा दो। क्लियर, फर्स्ट जो नंबर होता है आई का, सेकंड जे का, आप देख सकते हैं, देखिए है ना सिंपल। तो जिस तरह यहां एक्सप्रेस करके बताया है उस तरह जो भी यहां पर एलिमेंट आएगा उसको एक्सप्रेस करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए माइनस पांच प्लस टू हंड्रेड दो एक दो हो गया बटा दो, तो दो में से पांच घट जाएंगे, माइनस थ्री का मोड बटा दो, और मोड का पर बड़ी जानते हैं कि ऑलवेज टेक पॉजिटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये पॉजिटिव थ्री दे दिया अपॉन टू। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू निकला वन वन है ना, देखिए वन वन उसका वैल्यू कितना आया जी थ्री बाय टू। इसी तरह से वन टू का निकालेंगे है ना, वन टू यानी कि मोड का साइन इसी फॉर्म पे बैठाइए, माइनस फाइव इंटू आई है तो माइनस फाइव इंटू आई का वैल्यू यहां पर वन हो गया, प्लस टू जे है ना, तो जे का वैल्यू यहां पर टू है अपॉन टू। ठीक है, अब सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो दुना चार, और देखिए पांच एक पांच माइनस पांच, तो चार में से पांच घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस वन का मॉड है ना बटा दो। तो देखिए ये माइनस वन का मॉड मतलब वन मिलेगा, पॉजिटिव वन मिलेगा बटा दो। क्लियर ना, अब यहीं पे निकाल लेता हूं साइड में इधर है ना, ये वन, उसके बाद देखिए ये टू वन है ना, टू वन का तो वैल्यू बैठाएंगे मॉड का साइन, माइनस फाइव इंटू आई, आई मतलब टू है ना यहाँ पे, प्लस टू इंटू जे, जे का वैल्यू यहाँ पर वन है बट्टा दो। ठीक है, माइनस टेन प्लस टू बट्टा दो। अब देखिए दो में से आठ घटेंगे माइनस आपके, दो में से दस घटेंगे माइनस एट बचेंगे है ना, माइनस एट का मॉड बट्टा दो, आठ का जो है ना मॉड जो है आपको प्लस एट मिलेगा माइनस आठ वाला है ना बटा दो, दो से काट देंगे तो चार आएगा। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट जो बचे हुए हैं टू टू का है ना, उसको भी निकाल लेते हैं, टू टू मोड का साइन माइनस फाइव इंटू आई था है ना, आई तो आई की जगह पर यहाँ कितना दो है, प्लस टू जे, जे के वैल्यू पर यहां पर दो है बटा दो, माइनस टेन प्लस फोर हो गए अपॉन टू। तो इस तरह से चार में से दस घटेंगे तो माइनस छह बचेंगे इसका मॉड बटा दो, तो आपको मिलेंगे छह का मॉड कितने, छह का जो है नेगेटिव साइन है, इसको मॉड में निकालेंगे तो क्या मिलेगा सिक्स है ना अपॉन टू, दो से कट जाएगा तो आपको टू थ्री जा सिक्स, दो तीन छह आएगा है ना। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, सबका तो वैल्यू आपने निकाल लिया है, वन वन निकल चुका है, वन टू निकल चुका है ना, टू वन निकल चुका है और टू टू निकल जाए, तो लास्ट में आप लिखेगा है ना, इतना करने के बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर, तो पहला एलिमेंट वन वन था है ना, ध्यान दीजिए वन वन था है ना, तो वन वन का जो वैल्यूज आपको मिला है उसके अब स्थान पर सबका वैल्यू पुट करते चले जाइए, थ्री बाय टू, फिर उसके बाद वन बाय टू है ना, तो चलिए लिखते हैं थ्री बाय टू, वन बाय टू, फिर उसके बाद टू वन का फोर फोर, फिर टू टू का थ्री आया है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इस देखिए क्वेश्चन फोर्थ का देखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू, यहां मैट्रिक्स में दिया हुआ है वन टू फोर टू, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव जो करना है जी, शाबी जो करना है वो थ्री ए का डिटर्मिनेंट है बराबर नाइन इन नाइन टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करना होता है, हम सभी जानते हैं कि एक एलएचएस का पार्ट होता है, एक आरएचएस का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे आप, लिखेंगे सो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहली बात कि आप ये देखिए थ्री ए निकालना वैल्यू है ना, उसके बाद ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले कहेंगे थ्री ए, सिंस थ्री ए बराबर थ्री ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है वन टू फोर टू, ठीक है। तो थ्री जो है ना ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो सकता है ना, आप गुणा कर सकते हैं, तो थ्री सिक्स ट्वेल्व और ये सिक्स हो जाएंगे है ना, सभी के साथ गुणा हो गया, तो इसलिए करके निकालेंगे। एक्चुअली हम जो फाइंड करना है वो थ्री ए का डिटरमिनेंट है, तो थ्री ए का वैल्यू तो निकल चुका है ना, ये थ्री ए का आपका निकल चुका है, इसलिए लिखेंगे कि थ्री ए का
डिटर्मिनेंट। तो इसे आप क्या जो मैट्रिक्स दिया है ना, लाया ना वैल्यू आपका, वो सो डिटर्मिनेंट में आप चेंज कर लीजिएगा। 3 6 12 6, ठीक है। अब इसे डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है टू ऑर्डर का रहता है ना, वो क्रॉस इस तरह से निकालते पहले गुना करते। 3 6 18, 3 6 18 माइनस 12 6 72, ठीक है ना। अब इसे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 54, है ना, कितने 54। तो 3a का डिटर्मिनेंट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते थे, इसलिए एलएचएस से ये निकालना था ना इसका, देख सकते हैं, है ना। 3a का डिटर्मिनेंट, ये मेरा एलएचएस पार्ट है। अब इसके बाद आरएचएस का काम करेंगे, आरएचएस का काम, क्योंकि 9 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट ये सिंपल निकल सकता है ना, 9 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। तो देखिए जी, 9 को 9 लिखना है, जो a है यहां पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ, तो a का वैल्यू आप डिटर्मिनेंट में पहले निकाल लें, 1 2 4 2, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की ये बात है ना कि सबसे पहले आप वैल्यू इवैल्यूएट करिए, मतलब क्रॉस गुना करके नहीं, डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो 9 का 9 पहले से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा, 1 × 2 कितने हो गए 2 माइनस 4 2 8, ठीक है। तो 9 × आपके यहां पर घटकर कितने आएंगे, 2 में से 6 8 घटेंगे तो माइनस 6 बटेंगे, है ना। तो 9 6 54, है ना, तो -54 आया। और देखिए ये भी -54 आया था, है ना, 18 में से 72 घटेगा 54 बचेगा, लेकिन देखिए नेगेटिव साइन है ना, तो आपका ये, तो आप दोनों वैल्यू देख सकते हैं कि एलएचएस का वैल्यू और आरजीएस का वैल्यू सेम आया। तो हम हेंस में लिखेंगे, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्लियर ना। अब दैट इज करके लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर 9 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर आता है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा है ना। वाई बराबर दिया हुआ है ई के पावर -6 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको जो फाइंड करना है जी, डेरिवेटिव सब फाइंड करना है dy बाय dx, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि डिफरेंशिएशन है ना, वो दो मेथड से बनते हैं, है ना। पहला है चेन रूल, ठीक है, और सेकंड है डायरेक्ट डेरिवेटिव्स मेथड, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जब ऐसे सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं ना, तो सिंपल से आपको डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करके बनाना चाहिए। जैसे कहने का मकसद है कि डेरिवेटिव्स ऑफ यू इंटू वी का फॉर्म देख लीजिए पहले। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहते हैं ना, तो इसे डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो देखिए पहले। किसी ए फंक्शन को यू माने, दूसरे फंक्शन को भी माने, यू फंक्शन को आप बाहर करेंगे, यानी कि जस्ट बाहर करेंगे ब्रैकेट से, डेरिवेटिव्स लिखेंगे भी वाले को, फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर जिसे आपने बाहर किया था, ठीक है ना, यानी ऐसा समझ सकते हैं यू तो बाहर किया, भी को डिफरेंशिएट किया, अब भी जो डिफरेंशिएट किया उसे फिर आप बाहर कर लेंगे और डीयू बटा डीएक्स लिखेंगे, मतलब उसके बाद यू का डिफरेंस करेंगे, क्लियर ना। अब देखिए इसी तरह से आप यहां पर लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एक्स का है, है ना, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx, यहां भी लिखेंगे dy अपॉन dx, इधर लग गया, यहां इधर भी हो गया, है ना। अब यहां जो डिफरेंशिएशन करने का फॉर्म मिल रहा है वो प्रोडक्ट का है ना, तो आप किसी को भी यू मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप एक को यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, मैं दिखा रहा हूं एग्जाम में, आपको इसे नहीं करना है, समझ के चलना है, ठीक है। तो यू बाहर करते, यानी कि ई के पावर -6 बाहर कर दिया आपने, है ना, फिर डी बाय डीएक्स लिखते हैं भी पार्ट को, यानी भी कौन सा है, कॉस एक्स, फिर प्लस होता है भी लिखा जाता है, यानी कि भी आपका हो गया कॉस एक्स, डी बाय डीएक्स यू पार्ट, है ना। तो यू देखिए कौन सा है, ई के पावर -6, क्लियर ना। अब मैं आपको कुछ और बता दूं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डी बाय डीएक्स अगर आपको कॉस एक्स मिले जी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स रहेगा, तो आप इसे -sin x लिखेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव्स ऑफ अगर ई का पावर एक्स रहेगा, है ना, ई एक्स रहेगा मतलब, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो ई एक्स ही होता है,
ठीक है, जिसे हीरो बोले जाते हैं, है ना। तो e का पावर माइनस एक्स वही रहा, cos x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पार्ट में लिखा हुआ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x लिख दिया आपने, प्लस है प्लस लिखेंगे cos x। अब यहां देखिए ex का डिफरेंशिएशन मैंने बताया ex ही लिखते, इसका यही आ गया, लेकिन यहां पर इंटू ध्यान देंगे, यहां पर ex नहीं है, यहां पर माइनस एक्स है। देखिए तो x का कोएफिशिएंट जो भी नंबर रहेगा ना उसको इंटू में लिखेंगे, यहां पर देखिए 1 है, x के साथ जो भी नंबर रहेगा ना उसको इंटू में लिखेंगे, क्लियर ना। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि इसको डिफरेंस करने के बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 मिलेगा, है ना, सिंपल है। आप इसे गुणा कर लीजिए तो माइनस, ये माइनस पहले बाहर गया, e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए माइनस जब इस सारे टर्म से गुणा होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस पहले लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। आप इसे अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं ई के पावर माइनस एक्स यहां भी है, और देखिए माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिल सकता है साइन एक्स यहां पर और प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत लेना नहीं है, आप यहीं तक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेट यानी कि इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेट करना है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं बता दूं, है ना, इनवर्स ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है वैल्यू जी पाई बाय 2, इसके वैल्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, पाई बाय 2, ठीक है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करना है ना, साइन लिया मैंने, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना लिखते हैं, पाई बाय 2 होता है ना, तो पाई बाय 2 इंटू dx, और जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव टर्म के फंक्शन का होता है, मतलब dx है ना तो x वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पाई बाय 2 है कॉन्स्टेंट कहे जाएंगे, यानी कि बाहर कर लेंगे, तो ये मिला केवल dx, है ना, dx बचा पाई बाय 2, dx का इंटीग्रेशन जी x होता है, क्लियर ना। और जब भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना तो प्लस c लास्ट में लिखते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के रूप, क्लियर, आपको आंसर इतना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पहले, है ना, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं आराम से उसको पढ़िए, है ना, पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा वो काम कर सकते हैं आप। इफ ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के वेक्टर दिया हुआ, एंड बी वेक्टर बराबर थ्री आई माइनस वाई जे प्लस के वेक्टर दिया हुआ, ठीक है ना, आर इक्वल, ध्यान दीजिए यहां पर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ वो इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं वेक्टर, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, वो फाइंड करना आपको। तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे कि दिया क्या है, गिवेन ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के, बी वेक्टर बराबर थ्री आई प्लस वाई जे प्लस के वेक्टर, क्लियर ना। सिंस ये जो दोनों वेक्टर जो दिया हो ना इक्वल दिए हुए जी, सिंस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये बात लिख देंगे कि ये मेरा जो है ना गिवन दिया हुआ, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना, ये वैल्यू लिख लिए एक्स आई प्लस टू जे माइनस जेड के बराबर बी वेक्टर थ्री आई माइनस वाई जे प्लस के वेक्टर, ठीक है, जो कंडीशन लिखा है उसी में हमने पुट कर लिया। तो सिंपल बात है कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, आई को आई के साथ इक्वेट कर लेंगे, जे को जे के साथ कर लेंगे, के को के साथ कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ आई का कोफिशियंट एक्स है, आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग आई जे के कोफिशियंट, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं मैं इक्वेटिंग आई जे एंड के कोएफिशिएंट, ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आई का यहां पर एक्स है, इधर देखिए आई का इधर तीन है तो एक्स बराबर तीन आपको मिल चुका, जे का यहां पर टू है ना,
और यहाँ पर जे का माइनस वाई है, ठीक है ना। तो ये माइनस हटाकर इधर कर लेते हैं, सकते हैं माइनस टू बराबर वाई। एंड जे देखिए के का, देखिए के का यहाँ पर माइनस जेड है, माइनस जेड बराबर बराबर के बराबर के का यहाँ पर वन है, है ना। तो आपको जेड बराबर कितना मिलेगा, माइनस वन। ये माइनस साइन दूसरे साइड शिफ्ट कर लेंगे, है ना, तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो फाइंड करना था जी वैल्यूज, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है थ्री, वाई का वैल्यू माइनस टू, जेड का वैल्यू माइनस वन, है ना। तो कितने मिल गए, देखिए कट का जीरो आ गया ना, तीन है और माइनस तीन बन रहे हैं जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द सम, है ना, योग ज्ञात करना है ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए जी ऑर्डर का और डिग्री का क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना, सम ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू का होल क्यू दिया हुआ है बराबर जीरो। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको बता दो, है ना, गिवन लिखा हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी कितना दिया हुआ, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू का होल क्यू, ठीक है। तो पहले आप दो चीजें आपको बता देता हूं मैं सिंपल, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, ये दो ही वर्ड का बात किया ना, तो एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, फिर आप ऑर्डर अच्छा समझ सकते हैं ना। ऑर्डर बोलते हैं जी हायर डेरिवेटिव्स, है ना, हायर डेरिवेटिव्स, हायर डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल रहेगा ना, उसी को हम लोग ऑर्डर के रूप में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिग्री क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव्स, पावर ऑफ, ये मैं शॉर्ट को बता रहा हूं, ठीक है, हायर डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो हायर डेरिवेटिव्स रहता है, डेरिवेटिव्स हायर है, उसका जो पावर रहेगा ना, उसी को हम लोग डिग्री काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें किया हुआ है, देखिए इसमें थ्री टाइम्स डिफरेंस किया हुआ है, इसमें टू टाइम्स, है ना। हमको सबसे पहले देखना हाइयर डेरिवेटिव, जिस ज्यादा डिफरेंस किसमें किया गया, तो इसमें तीन बार किया गया है, इसमें दो बार किया गया, ठीक है। यहाँ पावर, ये पावर बोलते हैं इसको, है ना, उस पर भी ध्यान, डिफरेंशिएशन के ऑर्डर पर देखिए, तो लिखेंगे यहां पर ऑर्डर बराबर आपके तीन हो गए, सबसे ज्यादा बार ये है ना, है ऑर्डर बराबर तीन हो गए। और डिग्री, अब डिग्री किसको मैंने बोला कि पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव्स, यानी हायर डेरिवेटिव्स रहेगा ना, उसी का पावर, तो हायर डेरिवेटिव्स तो ये है, तो इसी का पावर कुछ नहीं है, तो कितना है, वन है, तो डिग्री बराबर आपका हो गया वन। क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं होंगे यार, ये मत लिख दीजिएगा, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अब हमको जो फाइंड करना था, फाइंड द सम, है ना, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, है ना, इसलिए सम, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना, डिग्री मतलब हम थ्री प्लस वन लिखेंगे बराबर फोर, ये आपके आंसर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखें, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 1, 3 एंड 0, 3, 2, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है जी लाइन का, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट पास कर रहे, 2, 1, 3 एंड 0, 3, 2, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना, उसके अगर दो पॉइंट्स हो तो लिखें कैसे, मान लो x1, y1, z1 है पहला पॉइंट, ठीक है ना, और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, ठीक है ना, दो पॉइंट आपको दिए हो, तो कार्टेशियन इक्वेशन जो लिखते हैं ना जी, कार्टेशियन इक्वेशन इसका जो होता है वो होता है x माइनस x1, ध्यान से देखेंगे, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, क्लियर। इसी तरह से सिंपल है y के लिए, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, क्लियर ना। अब जो सोच सकते हैं z के लिए क्या लिख सकते हैं, z माइनस z1
बटा जेड टू माइनस जेड वन। दो पॉइंट अगर पासिंग कर रहा हो, दो पॉइंट पास कर रहा हो, एक पॉइंट ये या दूसरा पॉइंट दिया हुआ, तो हम लोग एक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अगर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि अगर वेक्टर पूछ देता, ठीक है ना, तो वेक्टर ग्रुप में देखिए, ये पहला मेरा आर वन वेक्टर होगा, है ना, पहला जो होगा ना इसको आर वन वेक्टर मान लेंगे, ठीक है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आर वन, और दूसरा जो रहेगा आर टू या बी वन बी टू बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो लिखने का तरीका होगा इक्वेशन बनाने का, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, अगर बाय द पूछा तो आप लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर आर वन वेक्टर का वैल्यू प्लस लेमडा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है, ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, आपको ये भी फायदा कर जाएगा साथ में साथ, ठीक है ना, कि अगर वेक्टर पूछेगा तो क्या लिख सकते थे, आर वन वेक्टर यानी पहला वेक्टर का वैल्यू प्लस लेमडा दूसरा वेक्टर माइनस आर वन पहला वेक्टर का घटाकर वैल्यू लिख देंगे, आपका कार्टेशियन भी मतलब वेक्टर भी निकल जाए। लेकिन हम ये काम करते हैं इसका, ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दिया है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है टू वन थ्री एंड जीरो थ्री टू, क्लियर ना। तो जब दो पॉइंट पासिंग मिलता है तो हमने जस्ट बताया कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, है ना, इसलिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन तो एक्स माइनस एक्स वन टू बटा एक्स टू माइनस, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कौन सा, सेकंड वाला पॉइंट जीरो माइनस टू, फिर आपका वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू थ्री माइनस वन, ठीक है, जेड माइनस जेड वन थ्री बटा जेड टू टू माइनस थ्री, क्लियर ना, एक्स माइनस टू अपॉन माइनस टू बराबर वाई माइनस वन अपॉन टू जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, अब यहां पर वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है ना, ऑफ द लाइन, ये लाइन इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, आप इस लाइन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो आपको मैं समझा दूं पहले थोड़ा सा, कि आपको लाइन इक्वेशन दिए रहते हैं जैसे x माइनस एक्स वन बटा ए वन, वाई माइनस वाई वन बटा बी वन, जेड माइनस जेड वन बटा सी वन, ये फर्स्ट लाइन इक्वेशन है ना, एक लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके पासिंग पॉइंट जो होते हैं ना इसमें, जी पासिंग पॉइंट होते हैं ना, वो लिखते हैं ये वाला, है ना, यहाँ पर एक्स वन हो गया, यहाँ पर वाई वन हो गया, यहाँ पर जेड वन हो गया, ठीक, और डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन जो होते हैं ना, या हम इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, है ना, पैरेलल बोल सकते हैं या डायरेक्टेड लाइन भी बोल सकते हैं, पैरेलल जो डायरेक्ट होता है ना वो देखिए ए वन बी वन सी वन, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो होता है एक्चुअली, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये पैरेलल दिखाते हैं इसको, ठीक है, तो ए वन बी वन सी वन को लिखते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनाना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो लिखेंगे गिवन लाइन इक्वेशन इज एक्स प्लस टू बाय थ्री वाई माइनस फोर बटा फोर और जेड प्लस फाइव बटा टू, जो दिया उसको मैंने लिख लिया, ठीक है ना, अब यहां लिखेंगे हेयर पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट के रूप में लिखेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है तो यहां पर इसके जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं, यानी कि पासिंग पॉइंट में आपका आ जाएगा माइनस दो फोर और यहां पर माइनस फाइव, क्लियर ना, फिर एंड इसके बाद जो लिखेंगे ना पैरेलल पैरेलल वेक्टर, वेक्टर निकालना तो वेक्टर लिख सकते हैं पैरेलल वेक्टर, तो ये भी जो भी रहेगा उससे बी वेक्टर, इसे ए वेक्टर मानेंगे, जो पैरेलल के रूप में बोलेगा ना उससे बी वेक्टर, तो लिख लेंगे थ्री आई प्लस फोर जे, ठीक है, प्लस टू के, ये थ्री फोर टू है ना, इसे आप पैरेलल वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, इसलिए इक्वेशन ऑफ वेक्टर
वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्म जो होता है ना जी, वो आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर मतलब पासिंग पॉइंट का वैल्यू है ना, पासिंग पॉइंट जो है वो लिखते हैं, यानी कि माइनस टू आई वेक्टर फॉर्म लिखना ना पोजिशन के रूप में, फोर जे माइनस फाइव के प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आपको दिया हुआ थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ये आपका आर वेक्टर बराबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, ये जो पासिंग पॉइंट रहेगा ना उसको आप ए वेक्टर मान लिया आपने, ये मान लिया ठीक है ना, और जो डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो रहेगा ना उसको पैरेलल वेक्टर को में लिख लेंगे। ठीक है ना, तो लिखने का तरीका क्या, पहला पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा लगा के दूसरा लाइन इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए 11 बोला है एफ एक्स बराबर 2x है ना, तो साथ साथ लिखते चलते हैं कि जो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। ठीक है, जी वाई यानी फंक्शन ऑफ g जो है वो y के टर्म में दिया हुआ है 3y प्लस 4 एंड एच जेड ये सारे फंक्शन है ना, तो साइन जेड लिखा। सो दैट आपको शो करना है, साबित करना, शो प्रूव करना है जी एच ऑपरेशन ए जी ओ एफ है ना, तो एच ओ ऑपरेशन जी ओ एफ बराबर एच ओ जी ब्रैकेट ओ एफ है ना, ये आपको प्रूफ करना, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ करना। तो देखिए कितना सिंपल सा आपको ये जो है ना बनेगा, ध्यान देंगे फंक्शन आपने सारा लिख लिया, लिख लेंगे पहली बात गिवेन है ना, तो एल एच एस का पहले काम कर लेते हैं, क्या निकलना एच ओ, यहां पर मैं लिखता हूं एल एच एस है ना, एच ओ ऑपरेशन जी ओ एफ है ना, जी ओ एफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये सॉल्यूशन होगा है ना, वो ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एच को एच लिखना है ना, ऑपरेशन जो होता है ना वो इस साइड से होते हैं, ऑपरेशन ब्रैकेट जी ओ एफ है ना, यहां पर हम लोग एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स, तो यहां पर बता देंगे एक्स बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दे सकते हैं क्वेश्चन है तो एक्स वाई जेड के बारे में यहां पर लिखा नहीं है, तो ठीक है ना, तो एक्स जो है वो रियल नंबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, एक्स भी यानी रियल नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एच का एच ऑपरेशन का ऑपरेशन ब्रैकेट, ठीक है, ये जो एक्स पहले जो है ना एफ के साथ ऑपरेट होगा, यानी कि जी का जी, ओ के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, ऑपरेशन के लिए क्या लगाएंगे ब्रैकेट, ये सबसे पहले एक्स के साथ आएगा एफ एक्स। क्लियर, ध्यान दीजिए एकदम इस पर गौर पर ध्यान दीजिएगा, एक्स जो सबसे पहले एफ एक्स एक्स के साथ है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ओ के लिए मैंने क्या लगाया ब्रैकेट जी का जी, और सारा चरण वही है ना, तो आगे लिखते चलेंगे एच का एच ऑपरेशन ब्रैकेट जी का जी। ठीक है ना, ये देखिए एफ एक्स यहां दिख रहा है एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू मालूम है कितना 2x। ठीक है ना, तो इसमें 2x पुट करिए, यानी एफ एक्स जगह पर 2x पुट हो गया। क्लियर, अब ये देखिए जी है, ये पूरा पार्ट को आप जी के फॉर्म के रूप में बैठाएंगे। ठीक है, देखिए पहले जी वाला देख लीजिए, अगर जी वाई रहता है ना, ध्यान दीजिएगा जी वाई रहता है तो क्या लिखता है थ्री ऑफ वाई प्लस फोर। ठीक है, तो यहां पर जो जी है ना, यहां पर टू एक्स है, तो ये वाई के रूप में बैठाएंगे, यानी कि जी वाई के रूप में। तो देखिए एच का एच ऑपरेशन अभी रहने देते हैं, या ब्रैकेट लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जी वाई है ना, जी ये वाई, ये वाई एक्चुअली मानेंगे समझेंगे, लेकिन ये टू एक्स है ना, तो जी वाई को लिखने का तरीका है थ्री वाई, तो लिखेंगे थ्री वाई, वाई मतलब यहां पर टू एक्स है ना, थ्री वाई ध्यान दीजिए थ्री वाई प्लस फोर, तो प्लस फोर लिखेंगे। क्लियर ना, इस पर सोचेंगे आप, बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाने की जरूरत ना है। एच का एच आप इससे पहले क्वेश्चन कर लीजिए, तो तीन दुना छह एक्स प्लस फोर ये हो गया। अभी देखिए एच
यह टर्म है ना, तो एज को जिस तरह एक्सप्रेस किया गया है उस तरह लिखेंगे। यानी देखिए एज फंक्शन जेड रहता है तो इसको लिखने का तरीका साइन जेड, ठीक है ना, एच रहता है तो क्या लिखता है साइन जेड। तो हम लोग यहाँ पर एच के रूप में कितना है 6x+4 है ना, तो ये आप उसी के यहां पर पुट कर दीजिए, साइन लिखेंगे उसके बाद जेड है तो लिखिए पहले साइन जेड के रूप में इस पार्ट को, है ना, 6x+4। ये आपका क्या पार्ट निकला, एलएचएस पार्ट, क्लियर ना। अब हम लोग आरएचएस पार्ट को निकालते हैं। देखिए मैंने आरजेएस का पार्ट यहां पर लिख लिया, आरजेएस में जो निकालना है एच ओ जी ब्रैकेट ओ एफ है ना ऑफ, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे ऑपरेशन, जो क्रिया होगा इसी तरह से होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन में हम लोग आरजेएस ना लिखा है तो लिखेंगे एच ओ जी ब्रैकेट है कोई दिक्कत नहीं है, ओ एफ है ना। अब यहां लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स, है ना, आप एक्स के बारे में पहले हम लोग लिख चुके हैं कि एक्स भी यानी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए एच ओ जी ब्रैकेट, ओ के लिए मैंने बताया था ब्रैकेट लिखने का, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ एक्स, क्लियर, एच ओ जी एफ एक्स का वैल्यू पहले पुट करिए, एफ एक्स का वैल्यू 2x है ना, तो यहां पर 2x पुट कर लेंगे। अब 2x सबसे पहले बात, ये तो ब्रैकेट में है लेकिन इस पार्ट सबसे पहले पार्ट g के साथ ऑपरेट होगा, h का h, o के लिए मैंने ब्रैकेट, है ना, ऑपरेशन है ना ब्रैकेट, तो ये g 2x हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए h का h, g x, यहां पर g g का टर्म थोड़ा दिखाते हैं आपको, g जो लिखा गया है g है ना, g है, अगर y रहता है तो 3y+4 लिखता है, ठीक है, 3y+4 लिखता है, तो देखिए जी है ये टर्म है ना, तो 3y के रूप में इसको पुट कर लेंगे, है ना, y की प्लेस पर 2x+4, क्लियर। तो आपको h मिला, यहां पर मिलेगा 6x+4, ठीक है। तो h ये अब h के फॉर्म में पुट होगा, यानी h वाले फॉर्म क्या है, h z लिखता है तो यहां पर लिखता है साइन z, है ना, तो लिखेंगे साइन z के रूप में, लिखेंगे साइन जेड, मतलब ये आपका हो गया 6x+4, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोनों वैल्यूज को, एलएचएस का वैल्यू बनाया था मैंने तो कितना निकला साइन 6x+4, और आरएचएस जो कितना निकला जी 6x+4, है ना, तो दोनों सेम है ना वैल्यू, ठीक है, तो दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं हेंस हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस, क्लियर प्रूव्ड, ठीक। इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, है ना, ये जो ऑपरेशन मैंने आपको बताया है ना बिल्कुल सिंपल है, ये आप इसी तरह से बनाएंगे, क्लियर। चलिए नए समय में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा इस तरह के जो है ना इसके कॉन्सेप्ट आपको डालूंगा, ठीक है, बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके और के क्वेश्चन है ना, और में क्वेश्चन पूछा गया जी इफ एफ एक्स बराबर x²-3x+4, है ना, आप चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, ठीक है ना, यहां पर ऐसा बोल दिया है, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ x²-3x+2, एफ एक्स बराबर x²-3x+2, क्लियर ना। देन फाइंड, तब आप ज्ञात करें द वैल्यू ऑफ एफ ओ एफ फॉर ऑफ एक्स ऑपरेट ऑन एक्स, ठीक है ना, एफ ओ एफ एक्स निकालना, तो ये तो और सिंपल है ना। तो देखिए हमको जो फाइंड करना है एफ ओ एफ एक्स, ठीक है ना, चलिए देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, लिखेंगे गिवन, ये तो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो यहां पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है, यहां दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सिंस लिखेंगे एफ ओ एफ एक्स, अब लिखने का तरीका क्या होगा इसका, ये ना फाइंड करना है, तो एफ का एफ लिखेंगे, ओ के लिए क्या लिखेंगे ब्रैकेट, ठीक है ना, ये सबसे पहले एफ एक्स एक्स जो है एफ एस एफ के लिए आएगा, यानी एफ एक्स होगा ऐसा, क्लियर ना। तो एफ यहां पर एफ एक्स एफ एक्स या एफ एक्स के वैल्यू पुट करिए कितना है x²-3x+2, क्लियर। अब ये देखिए एफ है ना, ये पूरा पार्ट एक्स का रूप में काम करेगा, क्या काम करेगा एक्स मान लेंगे फिर, है ना,
तो x जब एफ एक्स रहता है, ध्यान दीजिएगा जी, जब एफ एक्स रहता है तो इसको लिखने का तरीका x का स्क्वायर, यहां पर जो देखिए x है तो क्या लिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये मेरा अब तो x ये ना हो गया है, लेकिन फंक्शन को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है कि x का स्क्वायर मतलब इस पार्ट का एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स का स्क्वायर फिर यह माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स, एक्स मतलब इस पार्ट को, ठीक है, प्लस टू, प्लस सॉरी यहां देखिए हो गया ये प्लस टू, तो प्लस टू, क्लियर। अब इसे आप अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, इसे आप जो फॉर्मूला होता है ना, ये आप ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना, आप जो भी समझ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। बताते हैं अभी आपको ये जो है ना, सो देखिए थोड़ा सा आप इसे यहां पर देख लीजिए, है ना, आपको मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अगर रहे, है ना, इसका स्क्वायर रहता है, सभी जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबका स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस करके टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स ए बी, ये फर्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं ए बी, तो दोनों प्लस है, प्लस है ना, प्लस उसके बाद बी सी प्लस फिर सी ए, क्लियर ना, इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, ये मतलब फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसमें देखिए, तो ये सब पहले स्क्वायर में लिखिए, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ब्रेक हो गया, है ना, प्लस टू ए बी के रूप में, प्लस टू टाइम्स लिखेंगे ए बी, ये पार्ट गुना, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का गुना होगा, तो कितना होगा माइनस, इसको आपस में गुना करेंगे तो थ्री एक्स क्यू, थ्री एक्स क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी, तो बी सी यहां पर माइनस थ्री एक्स है, प्लस टू से गुना होगा तो माइनस सिक्स एक्स आएगा बी सी, फिर प्लस होता है सी ए, सी ए है ना, यानी ये वाला, तो टू एक्स स्क्वायर बनेगा, क्लियर ना, आराम से इसको देखिएगा आपको बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे माइनस थ्री, अब इसमें गुना कर लीजिए, चलिए माइनस थ्री गुना करें, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स हो जाएंगे, माइनस सिक्स ये हो गया, और प्लस टू का टू, अब इसको सजाते हैं जी, एक्स के पावर फोर हो जाएंगे प्लस ये आपका हो जाएगा तीन का स्क्वायर ना हो, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस इसको गुना करते हो माइनस आ जाएगा ना, माइनस से आपका मिलेंगे सिक्स एक्स क्यू प्लस बारह एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। देखिए ये जो दो गुना करना था केवल इसमें गुना करना था, है ना, तो वही मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है ना, इतना तक, बाकी सेम टू सेम कॉपी किया, क्लियर। चलिए अब देख लीजिए, थोड़ा नंबर को अरेंज कर लेते हैं, क्या एक्स के पावर फोर और कहीं पे है, नहीं, एक्स के पावर फोर हो गया, फिर देखिए एक्स क्यू का, एक्स क्यू यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं, तो माइनस सिक्स एक्स क्यू, क्लियर ना, नाइन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर और देखिए नाइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर, नौ चार तेरह एक्स स्क्वायर, तेरह में तीन एक्स घट जाएगा तो बचेगा प्लस दस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद नंबर है ना एक्स वाला देख लीजिए, तो एक्स या नहीं, या नहीं, या नहीं है, माइनस बारह एक्स और प्लस नाइन एक्स, तो कितने बचेंगे माइनस थ्री एक्स, ठीक है ना। उसके बाद नंबर देख लेते हैं, चार है, चार यहाँ पर देखिए, चार और दो छः, छः में से छः घट जाएगा जीरो, मतलब इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बारह देखिए, कॉस इनवर्स बारह बटा तेरह दिया हुआ है प्लस साइन इनवर्स तीन बटा पांच दिया, बराबर प्रूफ करना है जी, साइन इनवर्स छप्पन बटा पैंसठ, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख रखा है प्रूफ दैट, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पर लाने क्या है, साइन इनवर्स लाने है ना, साइन इनवर्स लाने हैं, तो बेहतर ये होता कि इधर जितना भी फंक्शन होता साइन इनवर्स में होता, कहां सर देखिए साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स है लेकिन ये तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे जो है ना साइन इनवर्स में बदल लेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए हम इधर बताते हैं आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अगर फॉर्म जुटा हुआ रहता है ना, तो इसको लिखते हैं, फॉर्मूला होता है इसका साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक वाई स्क्वायर,
प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, यहीं तक रूट होगा प्लस है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि लिखेंगे LHS कॉस इनवर्स 12 बटा 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5। तो इसे पहले बदल लेंगे, पहले है ना, इसके बदल लेंगे, बदल लेंगे मतलब कि ट्रायंगल फॉर्म से लगा के, बहुत सिंपल है बनाने का, बहुत सारा तरीका, लेट करके आपको इसमें कॉस है तो साइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल बता रहा हूँ। कॉस इनवर्स है यानी सिंपल बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है ना। तो बी देखिए 12 है, एच कितना है 13 है, ठीक है, आपको यह समझना है। फिर उसके बाद बताइए पी, ये पी निकालना ना, और पी निकालने का सिंपल सा तरीका है, पी निकालने का रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो रूट ओवर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 है ना, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 घटेगा जी तो 25 बचेगा, 25 का रूट 5 होता है, मैंने सिंपल आपको यहाँ पर रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये 5 आएगा, ठीक, इस तरह से। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इतना करने के बाद सिंपल आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिखेंगे, क्लियर, और साइन का जो फॉर्म होता है पी बटा एच होता है, तो पी ये 5 हो गया, एच 13 हो गया, ठीक है, प्लस ये साइन वस्तु दिया हुआ था, क्लियर। अब ये देखिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्म हो जाएगा, देखिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, ठीक है, तो इस तरह पुट कर लेंगे हम लोग, है ना, पुट कर लेते हैं, बराबर साइन वर्स एक्स, एक्स मतलब यहां पर ये पहला वाला वैल्यू 5/13 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाला सेकेंड वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस, देखिए वाई, वाई मतलब कि 3/5 यहां पर लेंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स मेरा 5/13, क्लियर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, टाइम वर्स 5/13 रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर करते हैं जी, तो 9/25 आएगा प्लस 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 25/169 साइन वर्स 5/13 25 यहां पर आएंगे, 25 में से 9 घटेगा तो ऊपर में आएगा 16/25 बचेगा, ये कैलकुलेशन, और रूट में तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और 25 का रूट 5, सिंपल आप कर सकते हैं ऐसा, है ना, 3/5 इंटू देखिए 169 यहां पर आएगा, 169 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 144, 144 का रूट है 12 होता है 13, क्लियर, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12/13 आएगा, ठीक है। तो साइन वर्स 5/20/13/65 भारतीय 36/13/65 साइन वर्स आप कैल्सियम 65 तो पर एडिंग साइन वर्स देखिए जी ऐड कर लेते हैं 20 और 36 कितने हो जाएंगे 56/65 यही देखिए यही प्रूफ करना था ना 56/65 यस साइन वर्स 56/65 आना चाहिए तो आपका वही वैल्यू आया है ना तब इसे लिखेंगे आर एच एस क्लियर ना अब ध्यान दीजिए आप इस तरह के अगर बाय द वे इधर टाइम वर्स बनाना रहेगा हाँ इधर कुछ दूसरा रहेगा तो सबको इसी फॉर्म से बना के बेहद इजी बना सकते हैं आप इसको है ना ऐसा करके डायरेक्ट आप इसके लिए अलग बना लेंगे है कि नहीं उस तरह करके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और का क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट लिखा है साइन वर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 है ना प्लस टाइम वर्स 63/16 बराबर प्रूफ करना है जी पाई ठीक है तो देखिए यहां पर जो है ना सारा फंक्शन अलग अलग है साइन वर्स है कॉस इनवर्स है टाइम वर्स है लेकिन लाना क्या है पाई में ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए कि सभी को एक फॉर्म में लेकर आएंगे मतलब चाहे तो सभी को साइन में बदल लीजिए सबको वैल्यू ठीक है ना या सबको कॉस में बदल लीजिए सबको टेन बदल लीजिए ठीक है ना तो बेहतर आसान होता है टेन में है ना क्योंकि टेन का सिंपल फॉर्मूला होता है ना तो देखिए एलएचएस लिखेंगे पहले एलएचएस में लिख लेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है
चार बटा पांच प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, ये लेचेस का पार्ट है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी फंक्शन आप बदलना चाहते हैं, है ना, चेंज करके लेना चाहते हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म जो है ना वो बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से एक बनाएंगे इसके लिए। और ये देखिए साइन है, और साइन का जो होता है ना पी बटा एच होता है। तो पी देखिए 12 हो गया, एच 13 हो गया। ठीक है ना, अब ये निकालना है, बी निकालना है, तो ये आपका वैल्यू मिलेगा 5। अब सिंपल देखिए लगा, मैं यहां बता दे रहा हूं एक, जिससे पी निकालने के लिए रूट ओवर होता है पी स्क्वायर, नो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस पी 12 144। इसका रूट निकालेंगे तो 169 में से 144 घटेगा 25 आएगा, रूट है 25, है ना, और 25 का रूट 5 होता है। क्लियर, इस तरह से। अब देखिए ये भी हम बदलना चाहते हैं, सबको 10 मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए भी यार एक अलग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है बी बटा एच, है ना, बी तो ये 4 ये 5, ये कितना निकलेगा, तो पी निकालना ना, तो पी के लिए होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच 25 बी 16, तो 25 में से 16 घटेगा 9 बचेगा जी, रूट में 9 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग सिंपल लिख सकते हैं टेन इनवर्स और करके, इसे जो है ना टेन इनवर्स में लिखेंगे, तो टेन का होता है पी बटा बी, पी 12 हो गया और बी बटा बी, है ना, तो पी हो गया 12 और बी हो गया 5, है ना, ये हो गया आपका प्लस इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स पी बटा बी 3/4 हो जाएगा जी। ठीक है ना, और प्लस ये वाला टर्म आपका इसी तरह से रह गया टेन इनवर्स 63/16। क्लियर, अब दो जो रहता है, दो का फॉर्मूला सेट करना हम लोग आता है ना, कि टेन इनवर्स पहले दो का लगाएंगे, यानी कि 12/5 प्लस 3/4/1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। क्लियर ना, प्लस आप इसे इसी तरह से रहने दीजिएगा टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, मैं इधर साइड में आपको बता देता हूं कि आपका जो अगर दो फॉर्म हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का रूप होता है ना इस तरह, तो आप लिखते हैं टेन इनवर्स पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्स हो गया, ये वाई मान लिया मैंने, तो एक्स प्लस वाई का पार्ट बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 5 और 4 कैल्सियम आ जाएगा जी 20। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 आएगा, तो 12 चौके 48 प्लस, फिर 4 से भागा देंगे 5 आएगा, है ना, 5 तरीका 15 आ जाएगा। ठीक है, बटा 5 चौका 20, 20 यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा, 20 माइनस 4 तरीका 12 या 36 ना, बटा कितना हो गया 5 चौका 20 प्लस टेन इनवर्स 63/16। देखिए 20 से 20 कट जा रहा, अब 48 और 15 को जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 के 3 हाथ बच गए, 1 4 और 1 5 5 1 6 63/36। यहाँ पे कितना 20 में से 36 घटेगा तो माइनस 16 बचेगा, है ना, प्लस टेन इनवर्स 63/16। अभी देखिए दो पार्ट फिर से, है ना, या इसके बाद हम लोग फॉर्मूला फिर पर यूज कर सकते हैं ना, फिर लगा सकते हैं कि टेन इनवर्स 63/ माइनस, देखिए ऊपर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, 16 प्लस यहाँ पर 63/16/1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 63/16 इंटू माइनस में ना, और इंटू 63/16। क्लियर, अभी से आगे बढ़ लाते हैं ना, टेन इनवर्स देखिए जी ये माइनस 63/16 है, ये प्लस 63/16 है, कट जाए जुटेगा तो क्या होगा, 0 अपॉन, है ना, ये पूरा पार्ट 0 ना हो जाए, कट जाएगा ना, तो ऊपर में 0 ना आ जाएगा, बट देखिए माइनस प्लस 1 प्लस 63/16 इंटू 63/16। ठीक है, अब देखिए ये आपका टेन इनवर्स आपका मिल जाएगा 0 से, ये जो भी टर्म आएगा तो 0 ही आएगा जी। ठीक है,
अब tan इनवर्स जीरो है, तो जीरो कितने वैल्यू होता है, tan पाई का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा है ना, फॉर्मूला होता है ना कि tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो यहां पर tan इनवर्स tan पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रूफ्ड करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तेरह नंबर क्वेश्चन नंबर तेरह देखेंगे। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है जी, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है x प्लस वाई टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस वाई टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस वाई, है ना। ये जो भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है बराबर प्रूफ करने हैं, है ना। फाइव एक्स प्लस वाई ब्रैकेट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि मुझे लाना क्या है, है ना। तो लाना है, ठीक है, फाइव एक्स प्लस फोर, ये सब चीजें प्रूफ करना है। तो सोचिए तो थोड़ा सा यहाँ पर कि क्या हम लोग रो से जोड़ने से ये फाइंड कर सकते हैं, ये मिल सकता है। देखिए अगर सबको एक जगह जोड़ दिया जाए, टू एक्स टू एक्स फोर एक्स एक फाइव एक्स बट फाइव एक्स प्लस फोर लिखा प्लस वाई लिखाएगा। अगर हम लोग ऐड, देखिए सिंपली बता रहा हूँ कि फाइव एक्स प्लस वाई लिखा सकता है, जोड़ेंगे तो दो एक्स एक तीन एक्स दो पांच एक्स प्लस वाई, यानी कि फाइव एक्स प्लस वाई यहां भी आ सकता है ना, इसे जोड़ने से फाइव एक्स प्लस वाई। तो देखिए सभी में जो है ना वो सेम आ रहा है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे, है ना। देखिए सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, लिखेंगे आर वन अप्लाइंग, आर वन मतलब रो नंबर वन में काम कर रहे हैं, ठीक। आर वन अप्लाइंग आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ेंगे। ये देखिए जी, ये आर वन होता है, ये लाइन आर टू, ये से आर थ्री, तो तीनों का आपस में अपर देखिए इस तरह जोड़ेंगे, है ना, इस तरह करके ये इससे साथ जुड़ेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों आपस में जुड़ेगा, लिखाएगा, जुड़ने के बाद कहाँ लिखाएगा, आर वन के प्लेस पर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, फाइव एक्स प्लस वाई यहां भी आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस वाई यहां पर भी आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस वाई, क्लियर है। बाकी सब उसी तरह से रह जाएंगे, टू एक्स एक्स प्लस वाई टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब इतना होने के बाद हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, फाइव एक्स प्लस वाई फाइव एक्स प्लस वाई फाइव एक्स प्लस वाई, यहां से यानी कि आर वन से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन फाइव एक्स प्लस वाई फ्रॉम आर वन, ठीक है। तो फाइव एक्स प्लस वाई आपका जो कॉमन हो जाएगा तो डिटरमिनेंट के बाहर लिखाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी निकालते हैं तो बाहर रखते हैं ना, यहाँ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट के बाहर लिखाएगा, बचा वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ पर टू एक्स एक्स प्लस वाई टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब देखिए इतना होने के बाद क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं घटाना जीरो हो जाए, है ना। देखिए अगर वन को इसमें घटा दे जीरो होगा कि नहीं, है ना, यहाँ पर बचेगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी घट के जीरो हो जाएगा, मतलब ये इस तरह घटाने से हो रहा है ना, इस तरह से। तो ऑपरेशन हम लिखेंगे सी वन अप्लाइंग, घटाना किसमें चाहते हैं, सी वन में, इसलिए सी वन जो है ना जिसमें काम करना चाहते हैं उसी का लिखेंगे सी वन अप्लाइंग, ठीक है ना। क्या करना चाहते हैं, सी वन में सी टू को घटाना चाहते हैं, सी वन में सी टू को घटाना चाहते हैं। तो फाइव एक्स प्लस वाई ये ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं जीरो, यहाँ घटेगा, देखिए टू एक्स है, इधर मैं रफली बता रहा हूँ, टू एक्स है ना, ये घटने के लिए आएगा, तो यानी माइनस एक्स लिखाएगा माइनस वाई लिखाएगा, तो टू एक्स में से घटेगा तो एक्स बचेगा माइनस वाई, है ना, लिख सकते हम लोग एक्स माइनस वाई, क्लियर। यहाँ से यहाँ घटेंगे तो जीरो, बाकी सब उसी तरह से वन एक्स प्लस वाई टू एक्स वन टू एक्स एक्स प्लस वाई। अब जो है ना, अब हम लोग को देखिए दो जीरो जिस लाइन में जिस रो में या जिस कॉलम में मिल जाए उधर से एक्सपेंड करते हैं, अब एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग ये इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, सी वन, है ना, तो अलोंग सी वन, ठीक है। तो यहां पर प्लस का साइन होता है, यहां पर माइनस का साइन होता है, तो पहले लिख लेते हैं फाइव एक्स प्लस वाई, है ना, ये प्लस का यहां पर माइनस का होता है, तो माइनस लेकर लिख लेंगे इस पार्ट को एक्स माइनस वाई, क्लियर ना। अब इसको जब ले रहे हैं, क्योंकि जीरो लेंगे तो सब जीरो आएगा, इसको लेंगे केवल क्योंकि ये भी जीरो है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से देखिए कौन सा डिलीट होगा, ये सामने डिलीट और इसके सामने डिलीट, है ना, जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो बचेंगे वन वन
टू एक्स एक्स प्लस वाई। तो पहले क्रॉस गुणा करिए इधर से ये कोना से, तो वन इंटू एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा जी, एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस का साइन, टू एक्स को वन से गुणा करेंगे तो टू एक्स, फाइव एक्स प्लस वाई इंटू यहां पर माइनस में है एक्स माइनस वाई है ना, इंटू देखिए घटेगा एक्स में से टू एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा, पहले वाई लिख लेते प्लस वाला माइनस एक्स, क्लियर ना, फाइव एक्स प्लस वाई देखिए जी माइनस जो है इसमें अगर गुणा कर लें तो क्या मिलेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा ये प्लस वाई हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिखे जाते हैं यानी प्लस वाई माइनस एक्स इंटू यहां पर है वाई माइनस एक्स, फाइव एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स ये भी वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स मेरे पास कितने दो स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका और मैं क्वेश्चन देख लेंगे, डिटरमिनेंट दिया वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस बी वन वन वन, वन प्लस सी, ठीक है प्रूफ करने हैं, ए बी सी इंटू वन प्लस वन बटा ए प्लस वन बटा बी प्लस वन बटा सी, ठीक है तो देखिए कितनी आसानी से इसको और बनाएंगे हम लोग है ना, और वाले क्वेश्चन को, ठीक है मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे डिटरमिनेंट बना लेंगे, ठीक है हम लोग क्या करेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा जीरो किया जाए घटा कर, ठीक है कहने का मकसद है देखिए ये यहाँ घटा देंगे जीरो होगा कि नहीं है ना, तो ये ऑपरेशन काम कर जाएगा, तो लिखेंगे कहाँ पर जीरो कर रहे हैं इस लाइन में है ना, ये मेरा R2 होता है ना, तो लिखेंगे R2 अप्लाइंग, R2 में करना चाहते हैं तो R2 लिखेंगे, और R2 में करना क्या चाहते हैं माइनस करना चाहते हैं किसको R3 को, ये R3 है ना, ठीक है तो चलिए घटाते हैं, तो इसके लिए जिसका नाम नहीं है उसका वो इसी तरह से कॉपी कर दीजिए वन वन वन, अब इसको घटाइए यहाँ पर जीरो हो गया, इसको घटेंगे तो यहाँ पर बी बचेगा, ये इसमें घटाएंगे तो वन वन कट के जीरो हो जाएगा माइनस सी बचेगा, क्लियर बाकी बचे वन 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 प्लस सी, ठीक है इस तरह से। अब हम लोग देखिए अगर ये हम लोग ये वाला टर्म यहाँ घटा दे तो जीरो होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा ना, तो इसका भी लिख सकते हैं आर वन अप्लाइंग आर वन माइनस आर थ्री, ये वाला इसमें भी घटा देते हैं, तो घटाते हैं वन यहाँ घट जाएगा तो केवल ये बचेगा, यहाँ वन घटेगा तो जीरो बचेगा, यहाँ वन है वन प्लस सी घटाएंगे यानी वन वन कट जाएगा माइनस सी बचेगा जी, क्लियर जीरो बी माइनस सी, जीरो बी माइनस सी वन 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 प्लस सी वन 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 प्लस सी, ठीक है अब इसके बाद एक्सपेंड कर देंगे जी, एक्सपेंडिंग अलोंग किधर भी डायरेक्शन कर सकते हैं, चाहे तो आर वन से कर सकते हैं चाहे C1 से कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में भी एक जीरो मिल रहा है इस लाइन में भी एक ही जीरो मिल रहा है ना, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो R1 से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं R1 से, मतलब इस डायरेक्शन से लेना चाहते हैं है ना, तो A लिया डिलेट ये सामने डिलेट हो गया है ना, तो ये बचे चार, ये बचे पहले इसे गुणा करते हैं ठीक है ना, तो बी को जब इसमें गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा बी प्लस बी सी, बीच में माइनस होता है वन इंटू माइनस सी, तो माइनस सी आएंगे गुना होके तो प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, और हमने डायरेक्शन लिया है इस डायरेक्शन को क्योंकि आर वन बोला है, तो जीरो वाला टर्म को नहीं लेंगे है ना, तो यहाँ पर प्लस होता है या माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन ये वैल्यू माइनस में है तो लेना पड़ेगा माइनस सी। चलिए अब इसके हिसाब से देखते हैं, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, बचेगा ये है ना, तो जीरो को वन से गुना करेंगे जीरो आएगा माइनस वन इंटू बी बी ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं जी, तो आपको मिलेगा ए बी प्लस ए बी सी फिर इसमें प्लस ए सी है ना, और यहाँ पर माइनस सी है माइनस बी से गुणा होगा तो प्लस बी सी या सी भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना, तब इसे अच्छा से लिख सकते हैं हम लोग, पहले बड़ा वाला ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ठीक है, ये आपका सब इसे अरेंज कर दिया मैंने है ना, तो जो प्रूफ करना था उसमें बटे में है ए बी सी कॉमन है, देखिए जी ए बी सी अगर कॉमन लेंगे ए बी सी तो यहाँ तो वन आ जाएंगे प्लस
ए बी सी कॉमन, तो ए बी तो कॉमन है लेकिन सी नहीं है, तो जो जो नहीं है उसका बटा लिखेंगे, क्योंकि अगर देखिए गुना करेंगे ना, यहाँ पर वन से गुना हो गया आ जाएगा, ये यहाँ पर गुना होगा तो सी सी कट जाएगा, तो ए बी बचेगा कि नहीं, है ना। इसी तरह से प्लस यहाँ बी सी है, कॉमन हो चुका है बी सी, तो वन बटा यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पर ए सी कॉमन हो चुका है मतलब कि वन बटा बी बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए सिंपल बात है जी, अगर इसे गुणा करेंगे ना तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, ए बी सी है ना, वन प्लस पहले वन बटा ए लिख सकते हैं, वन बटा बी लिख सकते हैं, फिर वन बटा सी लिख सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। कभी कभी यहीं तक आपसे पूछ देता है, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। अगर ऐसा दिया तो आपसे यहाँ आगे थोड़ा सा लाइन बढ़ा देंगे, लेकिन अगर यहाँ दिया तो यहाँ तक आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है ना, फाइंड करना है। इफ यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन, कंडीशन दे रखा है एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री और बी एक्स प्लस थ्री एक्स ग्रेटर देन थ्री इज कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिए यदि ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना एट एक्स बराबर थ्री, ठीक है, तो ए और बी के साथ, ए और बी के साथ रिलेशन निकालना। देखिए सॉल्यूशन जो करेंगे ना वो देखिए सिंपल है, पहली बात करेंगे कि सर फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर वो ए एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस थ्री एक्स ग्रेटर देन थ्री, ठीक है ना। तो देखिए कंटिन्यूटी में बोल दिया ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन करने में कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, थोड़ा बता दूं इधर कि फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू फंक्शन ऑफ राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, है ना, फंक्शन जो है ना वो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये मतलब होता है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। तो हमको ये बोल दिया कि ये सब आपको दिया है तो बताइए ए और बी के साथ रिलेशन क्या है, तो ठीक है, तो पहले हम सभी क्या करेंगे ना इसका 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 वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस एफ ए, यहाँ पर देखिए ए बराबर एक्स बराबर ए जो है ना वो तीन दिया हुआ है, एक्स बराबर ए जो होता है पॉइंट वो दिया हुआ तीन, ठीक है, ये तीन एक्स बराबर जो पॉइंट लेते हैं ना यहाँ पर एफ ए होता है ना, तो ए मेरा यहाँ पर जो है वो तीन दिया है, ठीक है, तो उसी को कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ए ए मतलब तीन निकालेंगे, एफ थ्री फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे एफ थ्री। तो थ्री कहाँ पुट करेंगे, इक्वल वाले में, है ना, जो वैल्यू जो पुट करते हैं एफ ए जो निकलता है ना इक्वल वाले साइन से निकलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इक्वल है इसमें नहीं है, तो इक्वल वाले में एक्स की जगह पर थ्री पुट कर दीजिए, ए इंटू थ्री प्लस वन कितने हो जाएंगे थ्री ए प्लस वन, तो फंक्शन लिमिट निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिखते हैं, तो ए प्लस आपका ए मेरा तीन है थ्री पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है ना, ध्यान देख दीजिए, है ना, बहुत सिंपल है मेथड। इतना लिखने के बाद लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिखाते हैं या थ्री प्लस एच, ठीक है। राइट हैंड लिमिट जब भी निकालना हो तो यहां पर ए तो लिखेंगे इतना, तो लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, ए आपका तीन है, है ना, और प्लस एच मतलब कि राइट हैंड के लिए। तो चलिए इसका वैल्यू जो है ना आप कहाँ पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, किसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो जिसमें ग्रेटर हो एक्स ग्रेटर हो, है ना, एक्स ग्रेटर देन रहता है ना ए से, ये दिखेगा ना, तो उसमें हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, ठीक, और एक्स लेस देन दिखेगा ना ए से, तो उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को पुट करेंगे, फाइंड करें, ठीक। तो इसका निकालते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री प्लस एच जो है वो पुट करते, देखिए एक्स ग्रेटर दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट करेंगे बी इंटू एक्स जगह पर थ्री प्लस एच प्लस थ्री लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको गुना कर सकते हैं थ्री बी प्लस बी एच प्लस थ्री, अब एच की जगह पर जो है ना जीरो पुट कर लो, ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या थ्री बी प्लस थ्री, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
फंक्शन का वैल्यू एक्स टेंस टू ए माइनस, है ना, देखिए ए नेगेटिव निकालते हैं, है ना, तो ए माइनस, ए माइनस, ओ ए थ्री ना है, थ्री माइनस एफ एक्स बराबर, यहाँ लिखा है लिमिट एच टेंस टू जीरो, जिस तरह इसको किया था ना उसी तरह लिमिट एच टेंस जीरो एफ, यहाँ पर थ्री माइनस एच लिखाएगा, राइट हैंड में प्लस और लेफ्ट हैंड में माइनस ए माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री माइनस एच, कहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अभी जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड निकाल रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या होना चाहिए एक्स लेस देन ए, यानी कि ए आपका तीन है, यानी कि एक्स लेस देन तीन ऐसा कहीं पर होना चाहिए, देखिए है ना एक्स लेस देन थ्री, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट होगा ए इंटू एक्स प्लस वन है, ए ए ए ए इंटू एक्स, एक्स जगह पर जी थ्री माइनस एच प्लस वन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक गुणा कर लेते हैं तो थ्री ए माइनस एच प्लस वन, इतना आप जब फाइंड कर लेंगे फंक्शन का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रश्न आंसर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ था, दैट इज कहने का मकसद है कि फंक्शन का वैल्यू एफ ए वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू एक्स टेंस टू ए प्लस या थ्री प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, है ना, जो वैल्यू निकाले हैं जी, ये देखिए एफ थ्री राइट हैंड एफ है ना, ये राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, ये वही सब बराबर होना चाहिए, वही दिखा रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस बराबर, मतलब बराबर होता है कंटिन्यूअस के लिए, तो ये काम हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो एफ थ्री का वैल्यू अभी जस्ट निकला था कि थ्री ए प्लस वन, है ना, फाइंड किए थे हम लोग, देख लीजिए कितना एफ थ्री का निकला था थ्री ए प्लस वन, है ना, और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव का निकला था जी थ्री बी प्लस, थ्री बी प्लस थ्री, और इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड का लिमिट वैल्यू पुट किए तो नहीं निकला, थ्री ए जीरो हो गया प्लस वन ना, थ्री ए प्लस वन, ठीक है, तो थ्री ए प्लस वन, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्री ए प्लस वन बराबर थ्री बी प्लस थ्री है, या थ्री ए प्लस वन बराबर थ्री बी प्लस थ्री, कोई बात नहीं, दो दो यहाँ पर कॉमन बात है, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं और करके कि थ्री ए प्लस वन बराबर थ्री बी प्लस थ्री, ठीक है ना, दोनों सेम है ना, चाहे इसके बराबर ये बोलिए या इसके बराबर ये बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो हम लोग को रिलेशन निकालना है ए और बी के साथ, तो थ्री ए का थ्री ए रहने देते हैं, नंबर को इधर घटा देते हैं, तो थ्री बी प्लस थ्री था, है ना, वन घट जाएगा इधर, प्लस वन इधर आएगा माइनस वन, यानी कि थ्री ए बराबर थ्री बी प्लस टू, तो आप ए बराबर लिख सकते हैं, तीन से डिवाइड कर दीजिए, थ्री बी प्लस टू बटा थ्री, ठीक है, अब आगे थोड़ा देख लीजिए, ए का ए तीन से डिवाइड करेंगे, इसमें तीन दोनों से डिवाइड लगेगा ना, तो यहाँ बी प्लस टू बाय थ्री आपके आंसर हो जाएंगे, आप चाहे तो ए बराबर निकाल सकते थे या बी बराबर फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ ये रिलेशन होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, इफ एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, कंडीशन दे रखा है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो है ना फोर एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, ये भी बोल रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बताइए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सेम हम लोग प्रोसेस का डील करेंगे, ठीक है, देखिए सोल्यूशन में लिखेंगे हेयर एक्स बराबर ए होता है, जो ए वैल्यू दिया ना वो जीरो दिया हुआ है, चेक करना जीरो पर जीरो हो गया, ठीक है, सिंस एफ पहले जीरो निकालेंगे फंक्शन में जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करना मतलब जीरो जिसमें बराबर है, है ना, देखिए बराबर है इसमें, तो यहां पर एक्स या जीरो, यानी कि लेमडा ये जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू इंटू जीरो, जीरो लिख सकते थे, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, जीरो हो गया ना,
जीरो, यानी कि एफ जीरो बराबर आपको मिला जीरो। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ए, ए आपका कितना है जीरो, जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जो तरीका लिखने का उत्तर करेंगे है ना मेथड, चलिए एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच लिखा है। अब ये देखिए, अब ये राइट हैंड निकाल रहे हैं तो राइट हैंड में हमने बताया था कि एक्स ग्रेटर देन दी होना चाहिए ए से, और ये आपका जीरो है, मतलब एक्स से बड़ा होना चाहिए जीरो से। देखिए एक्स जो है बड़ा है ना जीरो से, ठीक है दिख रहा है ना, तो यहां पर वैल्यू पुट होगा। ठीक है, ये जो लिमिट कंडीशन जो लिखा है यहाँ पे जीरो प्लस एच, वो इसमें पुट होगा। ठीक है, तो रखते हैं फोर इंटू एक्स, एक्स के जगह पर जीरो प्लस एच प्लस वन, लिमिट एच टेंस जीरो, इसको गुणा कर लेते हैं तो फोर एच प्लस वन, एच की जगह पर जीरो पुट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा प्लस वन, यानी वन। जब लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे ना तो लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अभी देखिए जीरो माइनस एच है ना, इसमें किसमें आएगा, इसमें लेफ्ट हैंड के लिए, तो लेफ्ट हैंड के लिए मैंने बताया था एक्स लेस देन होना चाहिए ए से, है ना, मतलब एक्स छोटा होना चाहिए जीरो से, एक्स से छोटा जीरो, यस बिल्कुल यहाँ पे है ना फर्स्ट वाले में। तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कि जीरो माइनस एच का स्क्वायर, माइनस टू एक्स, एक्स जगह पे पुट कर लेते हैं, देखिए एक्स है ना, तो टू एक्स, एक्स जगह पे जीरो माइनस एच। बेहद आसान है आपको जो कॉन्सेप्ट दिया हूं मैं, ठीक है। तो लेमडा का लेमडा जीरो माइनस एच के माइनस एच आएगा, माइनस एच का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर, माइनस जीरो में से एच घटेगा माइनस एच इंटू टू, माइनस टू एच प्लस टू एच हो जाएगा जी। अब एच की जगह जीरो अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जीरो लेमडा इंटू जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ये भी यानी कि ये मिलेगा जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जीरो मिला, फंक्शन का वैल्यू जीरो मिला, फिर राइट हैंड लिमिट वैल्यू वन मिला, है ना, लेफ्ट हैंड का वैल्यू जीरो मिला, तो यहाँ तो लैम्डा है ही नहीं, ठीक है। तो जब जब ऐसा हो पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर जीरो है ना, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होगा भी नहीं, है ना, ये लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग, लैम्डा बिलोंग, ठीक है ना। ऑल्सो इट इज नॉट कंटिन्यूस, ऑल्सो इट इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और का क्वेश्चन देख लेंगे। एक्स बराबर रूट ओवर ए साइन बस टी दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक होगा, वाई है ना, वाई बराबर रूट ओवर ए कोसाइन बस टी, ठीक है, प्रूव दैट पी टी, प्रूव दैट करना है डी वाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स होगा, ठीक है ना, एक्स, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से लिख लिया, एक्स बराबर रूट ओवर ए साइन बस टी, वाई बराबर रूट ओवर ए कोसाइन बस टी, और जो प्रूफ करना है जी डी वाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन सिंपल से करेंगे हम लोग इसको, इसे हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई डी एक्स है ना, ये फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक्स बराबर एक अलग सा फंक्शन टी में दे दिया, वाई में एक अलग सा फंक्शन दे दिया है, ठीक है ना, तो इसको अपने अपने सिंगल अपना डिफरेंस करके निकाल लेंगे, इसका अपना डिफरेंस करके निकालेंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बोलेंगे सिंस एक्स बराबर रूट ओवर ए साइन बस टी दिया है ना, तो इसको अलग डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी एक्स बटा डी टी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए सबसे पहले बता दो मैं इसको, इधर स्पेस है, सिंपल से करते चलेंगे, पहले रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंस क्या जानते हैं आप, रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है ना, और डी बाय डी एक्स ए के पावर एक्स रहेगा ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है ए के पावर एक्स, तो इसका होता है डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए,
ये वाला, ठीक है ना, ये क्लियर। तो चलिए इसे डिफरेंट करते हैं। रूट है, इस फंक्शन को साइलेंट में लेके चलेंगे एक्स रूप में। अभी पहले रूट वाला, तो ये साइलेंट एक्स है, यानी रूट एक्स का क्या होता है, वन बाय टू रूट है एक्स, एक्स जो मैंने साइलेंट बोला वही काम करेंगे, ए साइन वर्स टी, क्लियर। फिर रूट के अंदर वाले चलिए, तो रूट के अंदर दिख रहा ए साइन वर्स टी है ना, यानी ए के पावर एक्स का फॉर्म, देखिए ए के पावर एक्स का फॉर्म, तो उसको क्या लिखते हैं, ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का फॉर्म मतलब ए के पावर साइन वर्स टी इंटू लॉग ए, लॉग ए, क्लियर, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ये ए के फॉर्म का हो गया डिफरेंशिएशन, उसके बाद है साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है जी, देखिए डी बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो हो चुका है, लेकिन ये साइन इनवर्स टी है, साइन इनवर्स का होगा वन बाय रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। एंड उसको वही रहते हैं, ठीक है ना। एंड वाई बराबर देखिए, वाई बराबर कितना दिया हुआ, रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, सेम प्रोसेस यही काम करेंगे। जैसे देख लीजिए डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, है ना, तो पहले रूट है, तो रूट ये अंदर वाला एक साइलेंट के काम करेगा, यानी एक्स का काम करेगा, तो वन बाय टू रूट एक्स, यानी कि ए कॉस इनवर्स टी इंटू, फिर ए के पावर एक्स का फॉर्म होगा, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स, यानी ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ठीक है, इंटू, लेकिन यह क्या है, कॉस इनवर्स टी है, तो कॉस इनवर्स का डिफरेंस होता है वन माइनस वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर। डीएक्स बाय डीटी निकल चुका है, डीवाई बाय डीटी निकल चुका है, फाइनली मुझे चाहिए डीवाई बटा डीएक्स। तो इसके लिए मैं बता दूं कि dy अपॉन dt लिखेंगे बटा dx अपॉन dt, ठीक है, क्योंकि जब dt dt कट जाएगा तो dy dx ही नहीं बचेगा, dy बटा dx बचेगा, तो हम लोग ऐसा फॉर्म बैठा सकते हैं। चलिए dy बाय dt का वैल्यू, dy बाय dt का वैल्यू यही वैल्यू है, तो अच्छे से पहले लिख लेते हैं जी, 1 बटा 2 रूट है a cos इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t इंटू लॉग ए इंटू माइनस वन बाय रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बनाने पर धैर्य देंगे जी, है ना, धैर्य रखेंगे इस पर, है ना। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी का, देखिए डी एक्स बाई डी टी के पहले ये वाला वन बाय टू, वन बाय टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, है ना, साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू वन बाय रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पूरा पार्ट लिखा चुका है। अब देखिए काटते हैं, वन बाय टू यहाँ वन बाय टू कट जाएगा, ये लॉग ए से लॉग कट जाएगा, वन बाय रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर ये भी है ना, कट जाएगा, माइनस वन बचेगा, है ना, तो बचा क्या, ये टर्म केवल और ये बटन बचा हुआ, वन बाय रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, तो माइनस को हम पहले लिख सकते हैं जी, बटा इधर देख सकते हैं रूट ओवर वन बटा रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी, क्लियर ना। अब थोड़ा सा इधर मैं आप जो बता रहा हूँ ध्यान से देख लेंगे कि अगर बाय द वे मान लीजिए वन बाय एक रूट एक्स है और इंटू एक्स रहे, ठीक है ना, दोनों सेम एक्स है लेकिन एक रूट है एक बिना रूट है, तो हम इसको काट सकते हैं और काटने के बाद ऊपर में रूट एक्स लिखेंगे। आप रेशनलाइज करके समझ सकते हैं या ऐसा भी समझ लीजिए कि जैसे सपोज मान लीजिए वन बाय रूट टू है, यहाँ पर टू है, तो इसको कटेंगे और ऊपर रूट टू लिख देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी है, यहां भी तो एक कॉस इनवर्स टी है लेकिन रूट में, ये कटेगा तो लिखा है रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, यहां भी देखिए जैसे कटेगा तो रूट ओवर लिखाएगा ए कॉस इनवर्स टी, तो बचा क्या, माइनस में रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी बटा रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी,
माइनस, देखिए रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी जी, रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी का वैल्यू वाई दिया हुआ है ना, तो वाई पुट कर सकते हैं वाई, और रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, ये साइन इनवर्स ना होगा ठीक है ना, ये देखा गया पर साइन कटेगा, साइन ही ना आएगा जी ठीक है, तो एक्स होगा ये, देखिए ये साइन इनवर्स टी का वैल्यू जो है ना वो एक्स है, तो आपको मिल चुका है dy बटा dx बराबर ये प्रूव्ड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ये कर्व दिया, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस टू फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है तो देखिए सॉल्यूशन जो है ना कितना सिंपल सा करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे कि गिवन कर्व इक्वेशन इज, कर्व इक्वेशन जो दिया वो सब लिख लेंगे, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक है ना, जब कर्व जो दिया वो से एक बार डिफरेंस कर लेंगे डी वाई बाय डी एक्स, जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा जी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्लियर। ये तो कर्व दिया था, कर्व से मैंने ये फाइंड किया, एंड परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर जो लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस फोर्टीन वाई, एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फोर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, प्लस एक्स इधर तो माइनस एक्स, प्लस फोर है तो माइनस फोर, तो वाई इज इक्वल टू ये फोर्टीन बटे में हो जाएगा यानी कि माइनस एक्स बाय फोर्टीन और माइनस फोर बाय फोर्टीन। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए एक फॉर्म आपको बताते हैं, जब लाइन रहता है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में है ना, तो x का जो भी कोफिशियंट होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी ना लेके माइनस में दिया, क्या दिक्कत है ना, तो ये नंबर इस फॉर्म में है, यहां पर लिखेंगे स्लोप, स्लोप एम वन क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप है ये, तो m1 कितना हो गया माइनस वन, कुछ नहीं तो माइनस वन बटा फोर्टीन। ठीक है ना, तो हम लोग सभी जानते हैं कि परपेंडिकुलर जब होता है ना तो हम लोग जो करते हैं कि जो जो भी परपेंडिकुलर स्लोप निकलता है उसका टेंजेंट स्लोप निकालेंगे, इसलिए टेंजेंट स्लोप मतलब कि m2 जो भी वैल्यू है जस्ट उसका अपोजिट ले लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो आपको लेगा 40 पॉजिटिव। ठीक है ना, 1 बाय 14 तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि m1 into m2 बराबर माइनस वन होता है जी परपेंडिकुलर के स्लोप में, तो m1 का वैल्यू आपका माइनस वन बाय 14 है ना, आप इधर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस वन तो माइनस वन से कट गया, ये 14 इधर भेज सकते हैं तो m2 बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये स्लोप इस तरह से निकालते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी स्लोप परपेंडिकुलर बोलेगा ना तो ये स्लोप निकलेगा इस फॉर्म में से, और टेंजेंट स्लोप निकालेंगे तो जस्ट इसका नंबर को उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा ये, इसे जो है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर इसका टू है ना, स्लोप को हम लोग डी वाई डी एक्स ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बराबर कितने 14। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में डी वाई डी एक्स बराबर ये है ना, और सेकंड इक्वेशन में डी वाई डी एक्स बराबर इतना है ना, तो दोनों को आपस में बराबर हम लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बटा बराबर 14, तो लिख रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर 14, थ्री एक्स स्क्वायर बराबर ये टू इधर घट जाएंगे तो 12 आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर तीन से भागा लगाएंगे 4 आ जाएगा, एक्स बराबर रूट ओवर 4 और 4 का रूट दैट मीन्स प्लस माइनस 2 मिलेगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 2 का निकला ना, तो उसी तरह से जब एक्स का वैल्यू 2 निकला तो वाई का वैल्यू भी निकलना होगा, वेन एक्स बराबर 2 है ना, देन वाई बराबर
x का वैल्यू दो जो है ना, प्लस अभी ले रहे हैं, प्लस दो जो है कर्व पर रख दीजिए, कर्व पर पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। रफली इधर करके दिखाता हूँ मैं आपको, दो पुट करेंगे तो दो का क्यू आठ आएगा, दो दूनी चार आ जाएगा, प्लस छः का छः, यानी कि आठ चार बारह, छः अट्ठारह आ जाएगा, है ना, तो एटीन, वाई बराबर एटीन आ जाएगा, ठीक है। दैट इज पॉइंट आपको मिला, पॉइंट ए करके लिख लेंगे कि दो कॉमा अठारह आया। वेन एक्स बराबर माइनस टू, देन वाई बराबर माइनस टू पुट करते हैं, तो माइनस टू पुट करेंगे, ये सब रफली हम आधार है, ठीक है ना। तो माइनस टू का क्यू होगा माइनस आठ, दो इंटू माइनस दो, तो मतलब माइनस चार आ जाएगा, और प्लस छः है, माइनस बारह प्लस छः, यानी कितने मिलेंगे जी, माइनस छः, है ना, तो माइनस छः है ना। दैट इज करके पॉइंट आप बी लिख लेंगे माइनस दो कॉमा माइनस सिक्स, क्लियर ना। इसके बाद जो है ना, इतना करने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, इसलिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट निकालेंगे, पहला पॉइंट पर है ना, टू कॉमा एटीन। तो लिखने का जो फॉर्मूला होता है जी टेंजेंट इक्वेशन का, है ना, तो उसका फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर स्लोप, और कैसा स्लोप, टेंजेंट स्लोप, ठीक है ना, टेंजेंट स्लोप, क्लियर। तो इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, पहले तो लिखेंगे y माइनस वाई वन अठारह बटा एक्स माइनस एक्स वन टू, आपका टेंजेंट स्लोप है ना, स्लोप मतलब टेंजेंट स्लोप, ठीक है, स्लोप टेंजेंट स्लोप हम लोग जस्ट निकाले थे, टेंजेंट स्लोप एम टू है ना, कितना चौदह, ठीक है ना, चौदह। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस कुछ नहीं तो एक कलम ले लिया है ना, क्रॉस कर लेंगे, y माइनस एटीन बराबर इधर गुना होगा चौदह एक्स माइनस अट्ठाईस, सबको एक तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है, या इधर इसको उधर लेके चले जाइए, या वही इधर लेके आ जाइए ना, y माइनस अट्ठारह ये तो इधर ही था, इधर लेके आ जाते हैं माइनस चौदह एक्स प्लस अट्ठाईस बराबर जीरो। तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं जी, y माइनस चौदह एक्स और अट्ठाईस में से अट्ठारह घटेगा जी, ठीक है ना, तो बचेंगे आपके प्लस दस, नो नो नो, प्लस बचेगा दस ही तो बचेगा, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अगर चाहते हैं कि x हम पॉजिटिव में लिखें, ठीक है ना, तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर x प्लस में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चौदह एक्स प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस दस हो जाएगा बराबर जीरो, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट बी पर निकालेंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑल्सो द टेंजेंट इक्वेशन एट ए बी पॉइंट, ठीक है ना, देखिए बी पॉइंट पर निकाल रहा है, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन आपका माइनस सिक्स, तो यहाँ प्लस सिक्स हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन माइनस टू है तो प्लस टू बराबर स्लोप, टेंजेंट स्लोप, स्लोप आपका निकल चुका है चौदह ना जी, टेंजेंट स्लोप चौदह है ना, तो फोर्टीन यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस गुणा कर लेंगे, y प्लस सिक्स बराबर ये हो जाएगा चौदह एक्स और प्लस अट्ठाईस, सबको लेके आ जाइए, y प्लस सिक्स तो था माइनस चौदह एक्स हो जाएंगे माइनस अट्ठाईस बराबर जीरो, यानी y माइनस चौदह एक्स और यहाँ देखिए छः में से अट्ठाईस घटेगा तो माइनस बाईस बराबर जीरो, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, या बेहतर होगा x प्लस में रखें, है ना, तो यहां छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, आंसर नंबर मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से लिख दें तो x वाला प्लस में रखें, ठीक है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में, तो ये चौदह एक्स ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस बाईस बराबर जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका और का क्वेश्चन देख लेंगे, वाई बराबर दिया हुआ है टाइम वर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट
1 plus x square ka whole square y2 plus 2x into x square plus 1 y1 is equal to 0. Dekhiye y2 karne ka matlab two order differences hai, second order matlab hai na, do bar difference. Y2 matlab d2y by dx2 ji aisa, theek hai na, aur y1 matlab dy by dx hai, theek hai, ye confusion nahi karenge, theek hai na. To y barabar ye function diya hua hai aur ye proof karke lana hai barabar 2, theek hai. To chaliye solve karte hain. पहली बात कि y बराबर लिख लेंगे कि मेरे पास दिया हुआ टाइम वर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है ना. तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, यहां पर dy dx टाइम वर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है. तो पहले आप ये फॉर्म समझ जाइए कि अगर x का फॉर्म n समझा जाए, x के पावर n समझा जाए, ठीक है ना. तो x के पावर n को ब्रेक करने का तरीका है, पहले n लिखें, n पावर जो लिखें, फिर x लिखें, पावर में 1 घटाएं, ऐसे होता है. फिर इनटू ये हो जाएगा पावर का, फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इसका फिर करते हैं, ठीक है ना. तो यहां तो 1 हो रहा है, लेकिन यहां देखते हैं आगे. भाई कुछ फार्मूले बता दूं कि d / dx अगर tan इनवर्स x रहेगा ना, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है. देखिए यूज हो जाएगा, ये तो आपने यहां लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इतना लिखा, इसके बाद ये टर्म लिखा, पहले पावर कितना, देखिए पावर ये अगर x समझे, x है ना, तो x का पावर है ना ये, तो पहले पावर आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x लिखाएगा, जो x है वही लिखाएगा, दो में से घट के लिखाएगा, इस फॉर्म ब्रेक हो गया. लेकिन इनटू करेंगे, क्या ये x था, नहीं ना, x तो नहीं था, x के रूप में ब्रेक हुआ, लेकिन ये अब क्या है, tan इनवर्स x है. तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर, क्लियर ना. देखिए ये बटे का टर्म है, ठीक है, तभी रुकिए. dy/dx जो है इसको हम y1 लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, y1. तो 2 यहां बचा tan इनवर्स x, दो में से एक को दिखा देना है, बट्टा वैसे गुना वही हो जाएगा, बट्टा कितना, 1 प्लस x स्क्वायर. ये जो बट्टे का टर्म है इधर लेकर आ सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर y1 बराबर 2 tan इनवर्स x बचा इधर, ठीक है. अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां देखिए u इनटू v लगेगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो प्रोडक्ट वाले फंक्शन है. तो दो प्रोडक्ट वाले फंक्शन को पहले हम लोग छोड़ते हैं, जैसे 1 प्लस x स्क्वायर को छोड़ेंगे, फिर इसका डिफरेंस करेंगे, y1 का डिफरेंस y2 हो जाएगा प्लस, फिर पहले देखिए पहला को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंस किया, फिर दूसरे को छोड़ेंगे, y1 छोड़ देंगे, ठीक है ना. फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 होगा जी, ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर का 2x, ठीक है, बराबर 2 का 2, टाइम वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो ये आपको मिला 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस इससे 0 तक खत्म 2x, यानी 2x y1 बराबर 2/1 प्लस x स्क्वायर. ये जो बटे जो है फिर से इधर गुणा कर सकते हैं ना, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर, तो ठीक है, इधर जो आ रहा है कितना आ रहा है, 1 प्लस x स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा y2. यहां पर 2xy1 ठीक है, गुणा में लिखाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि जब इधर सबके साथ होगा ना गुणा, बराबर 2. देखिए जी यही प्रूफ करना था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जी. इवैल्यूएट एनी वन, दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों बनाऊंगा. यहां पे a का पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 दिया, x स्क्वायर प्लस 4 लिखा है dx, है ना. तो देखिए हम लोग इसको सिंपल सा बना सकते हैं, पहले मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं, या z मान कुछ ही मान सकते हैं, ठीक ठीक t मान लें, है ना. तो ये क्या फॉर्म बन जाएगा जी, ये जो है ना ये t बन जाएगा, बटा इसे हो जाएगा t प्लस 1 और ये t प्लस 4 हो जाएगा, देखिए है ना, सारा जो टर्म है वो टीटी में चेंज हो जाएगा ना, कि स्क्वायर वाला. तो ये हो जाएगा, अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए प्रोडक्ट है ना,
और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हैं, यानी a बटा पहला पार्ट t प्लस वन, b बटा दूसरा पार्ट t प्लस फोर, है ना। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का अलग से जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर इसको देखिए, इसमें समझ सकते हैं आप। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया, अब इसे रहने दीजिए t बटा t प्लस वन t प्लस फोर बराबर, इसको लेस t प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, एलसीएम ले सकते हैं ना दोनों का। फिर ये आप क्रॉस गुणा कर लीजिए, t प्लस फोर आएगा प्लस b इंटू ये आ जाएगा t प्लस वन, नीचे से कट गया, तो t बराबर a इंटू टी प्लस फोर प्लस b इंटू टी प्लस वन, क्लियर। अब यहां पर देखिए a और b आपने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स स्क्वायर तो माना है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन a और b जो है ना फॉर्म को लाने के लिए ऐसा किया, तो a और b के लिए हम लोग वैल्यू पुट करके कुछ है ऐसा वैल्यू पुट करें जो जीरो करके a b निकाला जाए। देखिए पुट करें, अगर t की जगह पर माइनस फोर पुट कर दें तो जीरो होगा ना, और ये टर्म जीरो हो जाएगा तो यहां पर बचेगा कुछ। देखिए पुट t बराबर माइनस फोर, तो माइनस फोर बराबर ये हो जाएगा आपका पार्ट जीरो, या माइनस फोर प्लस वन यानी कि माइनस थ्री इंटू बी, तो माइनस थ्री बी। ठीक है, तो इधर माइनस फोर है और यहाँ पर माइनस थ्री बी, ये से कट जाएगा, फोर बटा ये थ्री हो जाएगा, बी का वैल्यू निकल गया। अब पुट करते हैं इसी में, अगर हम लोग वन पुट करें माइनस वन, है ना, माइनस वन जीरो हो जाएगा ना ये। ठीक है, किसी एक को जीरो करिएगा ना दूसरा वैल्यू निकल जाएगा आराम से, तो पुट टी बराबर माइनस वन, तो इधर होगा माइनस वन बराबर माइनस वन प्लस फोर यानी कि थ्री इंटू ए थ्री है प्लस, यहाँ पर तब को जीरो हो जाएगा, तो ये जो तीन है बटे में कर दीजिए, माइनस वन बाई थ्री बराबर ए, ए का वैल्यू निकल चुका है, बी का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए देखिए इंटीग्रेशन एक्चुअली करना इसको है, करना इसी को है ना, और इसी को मैंने ऐसे ब्रेक किया है और इस ऐसा फॉर्म बनाया और इसी फॉर्म को इसे ब्रेक किए है, मतलब अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हर पार्ट में इंटीग्रेशन लगेगा ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, है ना, डी एक्स बराबर। देखिए ध्यान से, इसी पार्ट को हम लोगों ने ब्रेक किया था, इसी पार्ट को देखिए कहाँ पे है ना, इसी पार्ट को देखिए ब्रेक ऐसे किया ना। ठीक है, तो ए बटा ए का वैल्यू, ए बटा ए का वैल्यू कितना निकला है, माइनस वन थ्री, माइनस वन थ्री बटा बाहर कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए डी एक्स बटा फर्स्ट पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस बी बटा बी का वैल्यू कितना, फोर बाय थ्री, बाहर कर लेते हैं डी एक्स बटा सेकेंड पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर कैसे कैसे लिख दिया आपने, तो मैं एक स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि इतना लिखने के बाद यह है ना, एक इतना होगा ना, यहाँ पर लिख लेंगे कि इस पार्ट को देखिए टी बटा टी प्लस वन है इंटू टी प्लस टू है, टी प्लस फोर है सॉरी, बराबर ए बटा टी प्लस वन प्लस बी बटा टी प्लस फोर, ये ना है। तो हमने क्या किया, टी का जगह वैल्यू बैठा दिया एक्स स्क्वायर, सब एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, फोर है। ठीक है, और फिर क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो वही बात यहाँ पर ए का वैल्यू पुट हो गया और डी एक्स, क्योंकि सब डी एक्स लगा ना, डी एक्स डी एक्स, ठीक है, बटा टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सिंपल है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, आराम से कर सकते हैं इसको। तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स एक बार अच्छा से लिख देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर फोर बाय थ्री डी एक्स बटा यहाँ पर आपका फोर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना,
वन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर वन ही हो सकता है, चार को हम जो चार है उसको दो करके लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला होता है जी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं वन बटा ए टाइम वर्स एक्स बटा ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो माइनस वन बाई थ्री ये तो बाहर वाला है, वन बटा ए एक वैल्यू यहाँ पर वन, टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ए मतलब वन, इसका अपना ब्रेक हो गया, प्लस फोर बाय थ्री इसका वन बटा ए, ए मतलब यहाँ पर दो है, टेन इनवर्स एक्स बटा ए मतलब, ठीक है ना, प्लस सी। अब इससे अच्छा से केवल लिख लीजिए, माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, दो से कट जाएगा, दो दूनी चार, दो बटा तीन टाइम वर्स एक्स बटा दो प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन बी देखेंगे। थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दिया और एक्स प्लस थ्री दिया, ठीक है ना, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिंस थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो फंक्शन दिया हुआ ना उसे लिख लेंगे एक्स प्लस थ्री। तो इसे ब्रेक करते हैं ए अपॉन फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वन प्लस बी बटा, देखिए स्क्वायर था तो उसको लीनियर से हम लोग ब्रेक करते हैं, एक के बाद दो के बाद तीन द्वित तक है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह करके रिपीटिंग रहता है। तो प्लस सी बटा तीसरे पार्ट के लिए एक्स प्लस थ्री, देखिए इसमें दो पार्ट है ना, स्क्वायर है मतलब इसमें दो दो है ना, एक या तीन, तो तीन कॉन्स्टेंट आ गया है ना इस तरह। अब बेहतर होगा आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने इसका जो है ना कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, आपको पूरा फुल्ली रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू है, अरे यार थ्री ना है, इसके एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों में एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस थ्री, यानी किया जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बारी बारी से हर पार्ट से डिवाइड करिए, जो बचता है ए के साथ अपना अपना लिखते चले जाइए। एक्स प्लस वन डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, एक्स प्लस वन बचेगा और एक्स प्लस थ्री बचेगा, है ना। प्लस बी के लिए देखते हैं, एक्स प्लस वन स्क्वायर है कट जाएगा ये वाला, एक्स प्लस थ्री बचेगा। प्लस सी के लिए देखिए, एक्स प्लस थ्री ये कट जाएगा बचेगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, नीचे से नीचे कट जाएगा। थ्री एक्स माइनस टू बराबर ए ऑफ एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, प्लस बी एक्स प्लस थ्री, प्लस सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका जो बचा सो लिख दिया है ना। अब वही काम करिए, पुट ऐसा करिए कि जो जीरो कर दिया दूसरा काम हो ही जाता है। हम लोग पुट करते हैं यहीं से माइनस वन पुट करते हैं, एक्स बराबर माइनस वन, तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री या माइनस टू माइनस फाइव, माइनस वन पुट करेंगे जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट जीरो, माइनस वन प्लस थ्री यानी टू मिलेगा, टू भी माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो यानी पूरा पार्ट जीरो, तो माइनस पाँच अभी बटा दो हो जाएगा जी बराबर बी, बी का वैल्यू निकल गया। पुट एक्स बराबर क्या पुट करें, अगर माइनस थ्री पुट कर दें जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, माइनस दो माइनस ग्यारह हो गया बराबर ये पार्ट पूरा जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस थ्री प्लस वन यानी कि माइनस टू का स्क्वायर फोर इंटू सी फोर से फोर सी, माइनस ग्यारह बटा ये चार आ जाएगा बराबर सी, सी का वैल्यू निकल गया, बी का निकल चुका है, सी का निकल चुका है, अब एक होता बचा हुआ क्या पुट करें, तीन तो पुट के काम हो, तीन तो काम कर चुके हैं, वन भी काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जब वैसा कुछ ना लगे तो ठीक है ना, तो हम लोग ऑप्शन है हमारे बहुत सारे, एक्स बराबर जीरो पुट कर लेंगे, है ना, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, देखिए तो थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया माइनस टू बराबर, ये देखिए जीरो हो गया,
ये भी जीरो हो गया, तो वन इंटू थ्री बचेगा, वन और थ्री गुना में करेंगे तो तीन एक के तीन, तीन इन थ्री है, ये जीरो हो गया है, यानी थ्री बचा, यानी बी थ्री बी। उसके बाद सी, ये जीरो हो चुका है, तो वन है ना, यानी कि प्लस सी, वन का स्क्वायर वन होगा सी। ठीक है, अब जिसका जिसका जान रहे हैं उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसको नहीं जान रहे हैं उसको निकालना है, मतलब तो बी और सी जान रहे हैं, ए निकालना, ए ये रख देते हैं, इसको इधर घटा देते हैं, माइनस टू ए टू तो ठीक है, माइनस थ्री बी माइनस सी, ठीक है, बराबर इधर कितना बचेगा थ्री ए, माइनस टू इंटू माइनस थ्री, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, माइनस सी का वैल्यू माइनस ग्यारह बटे चार, माइनस है प्लस ग्यारह बटे चार हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, पंद्रह बटा दो प्लस ग्यारह बटा चार बराबर थ्री है, एक दो चार कैल्सियम चार आएगा, एक से डिवाइड करेंगे चार, चार दो आठ माइनस आठ प्लस दो से दो दिन चार पंद्रह दिन तीस प्लस ग्यारह बराबर थ्री है। ठीक है, देखिए तीस में से आठ घटेगा तो बाईस और ग्यारह तैंतीस बटा चार बराबर थ्री है, तीन से काट दिया तीन एक तीन ग्यारह तीन तैंतीस यानी ग्यारह बटा चार आएगा, है ना, एक वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए हम लोग सारा जो कांस्टेंट हम लोग माने थे है ना, इसी को सेट किए थे ए बी सी करके, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें इंटीग्रेशन डालेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हर पार्ट में क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है ना, तो आपका सिंपल बन जाएगा। इसलिए थ्री एक्स माइनस टू बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री डी एक्स बराबर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू एक, ए का वैल्यू ग्यारह बटा चार निकला जी, है ना, तो ग्यारह बटा चार नंबर है तो बाहर कर लीजिए, डी एक्स बटा एक्स प्लस वन, और बी का वैल्यू माइनस पाँच बटा दो, माइनस पाँच बटा दो बाहर कर लीजिए, डी एक्स बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सी का वैल्यू माइनस ग्यारह बटा चार निकला है ना, बाहर डी एक्स बटा एक्स प्लस थ्री, सब लिखा गया है ना, ग्यारह बटा चार। अब इसका सिंपल आप सबका इंटीग्रेशन करते चले जाइए, वन बाई कुछ नहीं तो वन है, वन बटा एक्स का फॉर्म, तो लॉग एक्स लिखते हैं, लॉग करके एक्स प्लस वन माइनस फाइव बाई टू है, ठीक है, ये देखिए वन कुछ नहीं तो वन है बटा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा तो मैं साइड बता रहा हूँ कि वन बटा अगर एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है ना इस तरह करके, तो माइनस वन बटा एक्स लिखते हैं जी, ठीक है, कितना होता है माइनस बटा एक्स, तो ये वन बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो माइनस वन बटा एक्स, ये इस पार्ट को पूरा, ठीक है, माइनस ग्यारह बटा चार वन बटा एक्स का पैटर्न, तो लॉग लिखेंगे प्लस सी फाइनल, इसको थोड़ा सा एक लाइन सजा देते हैं, ग्यारह बटा चार लॉग एक्स प्लस वन आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, पाँच बटा दो एक्स प्लस वन माइनस ग्यारह बटा चार लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अठारह देखिए, इंटीग्रेशन दिया पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का है ना प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनने वाला है। पहले मैं बता दूं प्रॉपर्टी कि अगर ए से बी रहता है, ए नीचे लिमिट ऊपर भी लिमिट है ना, और यहाँ कोई फंक्शन रहता है एफ एक्स डी एक्स, तो जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट वही रहता है ए टू बी, ठीक है, फंक्शन में क्या करते हैं ए और बी लिखते हैं, ए प्लस बी करके फिर माइनस एक्स लिखते हैं जी, जो भी फंक्शन रहता है ना उसको फिर माइनस एक्स करते हैं, है ना, इस तरह से, तो जो है ना हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा ना प्रॉपर्टी लगना होता है, तो सो आप आई मान लीजिए पाई बट सिक्स से पाई बट थ्री रूट कॉस एक्स बट रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, इसे आपने फर्स्ट मान लिया, जो क्वेश्चन दिया उसको फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ प्रॉपर्टी जो लगेगा ना उसको लिख लेंगे कि सिंस जीरो ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसको लिखते हैं ए टू बी एफ ऑफ
a माइनस सॉरी a प्लस बी माइनस एक्स करके, ठीक है ना, dx ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं आई का ये बराबर का बराबर इंटीग्रेशन है पाई बटा सिक्स से पाई बाय टू, है ना, रूट है या देखिए कॉस है ना x है तो एक जगह पहले क्या लिखेंगे पाई बाय थ्री है ना, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, बटा कॉस पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख लिया आपने, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, सिंपल बनेगा पाई बाय सिक्स से पाई बटा थ्री, देखिए पाई बटा थ्री और पाई बाय सिक्स जोड़िए तो कितना आता है ना, तो ये जैसे देखिए पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री और पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, यानी पाई बाय टू ये मिलेगा जी, कितना मिलेगा पाई बाय टू माइनस सिक्स, देखिए आपको इधर दिखाता हूँ, एलसीएम आएगा 6 तो 3 से 2 पाई प्लस पाई यानी कि 3 पाई बटा 6, 3 से कटेंगे 3 दूनी 6 यानी पाई बाय टू मिलेगा ना, देखिए तो है ना, इसका पाई बाय टू तो आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बटा रूट कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स का प्लस रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, क्लियर हो गया है ना, इतना कर लिया। और आप सभी जानते हैं कि कॉस अगर रहता है पाई बाय टू माइनस एक्स तो इसको लिखते हैं साइन एक्स, क्या लिखते हैं साइन एक्स, या अगर साइन पाई बाय टू माइनस एक्स साइन नब्बे डिग्री माइनस थीटा वाला बात है तो कितना होता है कॉस एक्स, है ना, इस तरह करके। तो चलिए जहां जो लगेगा वहां यूज कर लेंगे, इसका रूट हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये रूट हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x dx i का i बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट का देखिए फर्स्ट का इधर i है इसके पेट में, सेकंड में देखिए इधर भी i है तो जोड़ रहे हैं तो एडिंग करें तो इधर साइड वाला हो जाएगा, है ना, i i 2 i हो जाएगा, इधर वाला जोड़ लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, देखिए पाई बाय सिक्स से पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, है ना, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री रूट है कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स, है ना, फर्स्ट पार्ट था, प्लस सेकंड पार्ट देखिए ये पे पाई बटा छ से पाई बटा थ्री, है ना, पाई रूट साइन एक्स हो गया। हम थोड़ा ध्यान दे देंगे, 2i क्लियर है, यहां पर पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, इसका भी पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री लिमिट सेम है, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री कॉमन हो गया लिमिट। अब देखिए दोनों की बात, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यहां भी देखिए रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स सेम टू सेम, है ना, और जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, यानी उसी तरह से cos x प्लस रूट है साइन एक्स डी एक्स, नीचे पूरा कट जाएगा सेम टू सेम, 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बटा सिक्स से पाई बटा थ्री, ये आपको मिला डी एक्स, 2i बराबर डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है तो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री है, 2i बराबर पहले लिमिट वैल्यू x वैल्यू पुट करिए यानी पाई बाय थ्री फिर माइनस पाई बटा सिक्स, मैं कर देता हूँ 2i बराबर 3 और 6 कैल्शियम जी 6 आएगा, है ना, फिर आपका यहाँ पर 2 पाई मिलेगा माइनस पाई आएगा, यानी कि 2i बराबर 2 पाई में से पाई कट जाएगा तो पाई बटा 6, ये 2 बटे में हो जाएगा यानी कि i बराबर हो जाएगा पाई बटा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 का भी देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका भी प्रॉपर्टी देख ली, अगर 0 टू a कराता है फॉर्म,
ठीक है ना। तो इसका लिखने का तरीका लिमिट कोई चेंज नहीं, जीरो टू ए, लेकिन फंक्शन में लिखने का है पहले ए फिर माइनस एक्स करके डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए पहले आई बराबर मान लेते हैं जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस का सिक्स, जो भी क्वेश्चन था उसे मान लिया क्वेश्चन नंबर वन, है ना। अब यहाँ प्रॉपर्टी जो लगेगा उसको लिख लेंगे कि जीरो टू ए का फॉर्म लगेगा जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लगता है ना। तो आई का आई बराबर का बराबर जीरो से पाई बाई टू, लिमिट वही है साइन, देखिए एक्स एक्स है ना, तो पहले क्या लिखना ए माइनस एक्स यानी कि पाई बाई टू करके माइनस एक्स माइनस कॉस है फिर एक्स है मतलब कि पाई बाई टू माइनस एक्स वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, देखिए जी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स को साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इक्वेशन नंबर इसे टू। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट में आई है सेकंड भी आई है तो इधर हो जाएगा टू आई और फर्स्ट पार्ट का जीरो से पाई बाई टू है जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सेकेंड पार्ट का जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स देखिए जीरो से पाई बाई टू ये भी जीरो से पाई बाई टू कॉमन हो गया लिमिट तो बचा क्या वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका भी है वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो सेम टू सेम लिमिट आ गया एलसीएम बाकी ऊपर वाला इसी तरह से उतर जाएगा कुछ कटेगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस यस पूरा कट गया टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू ऊपर आपको मिला जीरो अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और देखिए अब जीरो को किसी नंबर से भागा दीजिए किसी पार्ट से भागा दीजिए जीरो ही आएगा यानी कि टू आई बराबर पूरा पार्ट जीरो हो गया जी मतलब जीरो ट्वेंटी से जीरो ही होगा तो आई बराबर कितने मिलेंगे ये जीरो बटे दो है ना ये आ गया आपका आंसर हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे इवेलुएट एनी वन बाय लिमिट ऑफ सम दोनों में से कोई एक बनाना है लेकिन मेथड जो है वो लिमिट ऑफ सम से बनाना है ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया ठीक है लिमिट ऑफ सम से बनाना है देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे जी सबसे पहले लिखना है कि a बराबर यहां पर जीरो दिया हुआ ये a होता है ये b होता है बी बराबर टू दिया हुआ है एन एच वैल्यू निकाल लेंगे इसका फॉर्म होता है बी माइनस ए करके तो बी मतलब कि टू माइनस ए मतलब जीरो यानी कि टू मिला एन एच बराबर ठीक है। फिर आप फंक्शन लिख लेंगे कि जो एफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है वो ई के पावर एक्स दिया हुआ है इतना हो गया। उसके बाद पैटर्न आपको बताना है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहता है तो इसका लिमिट का जो है ना लिमिट ऑफ सम का जो प्रोसेस है वो देखिए होता है लिमिट एच टेंस जीरो एच ब्रैकेट पहले फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ए प्लस एच प्लस फंक्शन ए प्लस टू एच डॉट डॉट करके है ना फंक्शन ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू एच तक ठीक है ना। इस तरह से फंक्शन को मतलब लिमिट ऑफ सम को एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है लिमिट ऑफ सम का वो है जीरो से टू लिखते हैं जीरो से टू ई के पावर एक्स डी एक्स का चलिए इसमें फॉर्म पहले पुट कर लेते हैं। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो क्लियर है एच का एच है एफ एफ लिखेंगे ए आपको मालूम है ए मालूम है जीरो जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच प्लस एफ
जीरो प्लस टू एच प्लस एफ, अगर आगे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, जीरो प्लस एच थ्री लिखाएगा ना, है ना, इसके आगे ए प्लस थ्री एच, है ना, ज़्यादा तीन तक दिखा देंगे डॉट डॉट करके फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा पूरा दिखाना। एफ यहाँ क्या लिखाएगा जी, जीरो प्लस एन माइनस वन इन टू एच, इस तरह, ठीक है। लिमिट टेस्ट जीरो एच का एच एफ जीरो, अब से यहां से जो है ना वो थोड़ा समझने की बात है, एफ जीरो यानी फंक्शन जो है ना, जो भी फंक्शन था वहां पर एक्स के जगह पर जीरो वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जो भी रहेगा ना उसको वैल्यू पुट करेंगे, तो जीरो फंक्शन, देखिए ये तो फंक्शन है एक्स के जगह पर, तो लिखता है ई की पावर एक्स, अगर हम जीरो बैठाएंगे एक्स के जीरो बैठाएंगे तो ई की पावर जीरो, फिर जीरो प्लस एच ई की पावर जीरो प्लस एच आ जाएगा, जीरो प्लस एच ही ना आएगा यहाँ पर, देखिए ई की पावर जीरो प्लस एच, ई की पावर जीरो प्लस टू एच, ऐसे जीरो खत्म ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, डॉट डॉट करके आगे के लॉन लिख लेते हैं, ई की पावर जीरो प्लस थ्री एच आएगा, है ना, डॉट डॉट ई की पावर जीरो प्लस एन माइनस वन इन टू एच, ठीक है, ऐसा आ गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, देखिए जी ई की पावर जीरो वन होता है ना, तो यहाँ पर प्लस ई की पावर, ठीक है, या ऐसा भी समझ सकते, ई की पावर जीरो है ना, ई की पावर जीरो जो है वो रहने देता है, कॉमन ले लिया मैंने, सब जगह ई की पावर जीरो है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर वन प्लस ये कॉमन तो एच प्लस यहाँ पर ई टू एच प्लस डॉट डॉट करके ई प्लस एन पावर एन माइनस वन इन टू एच होगा ना, ऐसा लिख सकते लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। ध्यान दीजिए ये आपने जी पी पढ़ा है, ये जी पी का फॉर्म है ना, जी पी का फॉर्म है, जैसे मैं दिखा दूँ, है ना, आपको दिखा दूँ, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर के पावर एन होता है ना ऐसा, तो इसको लिखते हैं सम का जो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन होता है ना, जहाँ कॉमन रेशियो क्या होता है, ए से डिवाइड करेंगे आर होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको यहाँ पर देख लीजिए, ई के पावर जीरो वन, कोई दिक्कत नहीं है, वन प्लस ई के पावर एच प्लस ई के पावर टू एच ई के पावर एन माइनस वन इंटू एच, मैंने एक स्टेप फिर से वही लिख लिया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ये मेरा ए मेरा वन हो गया, ठीक है, और आर जो रेशियो जो है ना वो ई के पावर एच है, ई के पावर एच, क्योंकि वन से जब डिवाइड करेंगे तो ई के पावर एच ही आएगा, अगर इससे दोनों में से निकाले रेशियो ई के पावर टू एच बटा ई एच, ई एच ना बचेगा, ठीक है, एच फॉर्मूला होता है वन ए, तो ए के वैल्यू वन, आर आर मतलब ई के पावर एच पावर एन देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस वन बटा आर माइनस वन यानी ई के पावर एच माइनस वन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक और अच्छा से लिख लो, पहले इसको गुणा करेंगे तो एन पावर में आ जाएगा एक पावर एन एच माइनस वन बटा एक पावर एच माइनस वन, है ना। अब जी ई एच का जो है ना एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन विस्तार फॉर्म देखेंगे, अगर एक पावर एक्स रहता है ना, ठीक है ना, जैसे देख लीजिए एक पावर एक्स रहता है तो इसको जो लिखते हैं वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस एक्स के पावर थ्री बटा फैक्टोरियल थ्री करके इस तरह से एक्सप्रेस करने हैं, मतलब ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए इतना तो ठीक था ना, एच ई के पावर एन एच माइनस वन है, ठीक है, बटा देखिए ई के पावर एच, तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस ये एच है ना, तो एच का फॉर्म से टूटेगा, है ना, वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री डॉट डॉट करके, ज्यादा तक नहीं है ना, करके दिखा रहे इस तरह, तो ई एच का एक्सपेंस टूट गया यहाँ पर माइनस माइनस वन, ठीक है, ये देखिए प्लस वन माइनस वन कट जाएगा ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच यहाँ का पावर इन एच एन एच है माइनस वन बटा, ध्यान दीजिए सब एच एच वाला, मतलब एच पावर फोर बाय इस तरह करके, इसलिए मैंने डॉट करके दिखा दिया, एच कॉमन ले रहे हैं, एच सब में से कॉमन ले रहे हैं, मतलब यहाँ वन बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा एच बटा फैक्टोरियल टू, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्री डॉट डॉट करके इस तरह इन्फिनिटी तक, है ना,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये SH कटेगा है ना, आगे रुकिए। अब जो वैल्यू है ना वो पुट कर दीजिए, ई NH का वैल्यू, NH का वैल्यू दो निकला था, 2 - 1 बट्टा 1, एच की जगह पर 0 है ना, तो 0 + 0 + 0, चलो इतना ही आंसर आएगा। ध्यान से फिर से देख लीजिए जी, ई का ई लिखा और NH का वैल्यू जस्ट निकाले हुए हैं, देखिए NH का वैल्यू 2 पुट कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो ई का ई, NH का वैल्यू 2, -1 का -1, 1 का 1, एच के जगह 0 पर पुट करें, 0 + जो भी देंगे 0 आएगा, तो इतना ही बचेगा। तो आंसर हो गया 1/2 - 1/1, तो यही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं 19 का B, ये भी जो है ना वो लिमिट ऑफ सम से बनाना है, आप दोनों में से कोई एक बनाएंगे है ना, लेकिन मैं बना रहा हूँ सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 0 से 2 दिया हुआ है, x² + 1 ब्रैकेट dx, चलिए तो सॉल्यूशन करना है ना, बोलेंगे हेयर यहाँ पर जो है a बराबर 0 दिया, b = 2 है, NH = b - a करते हैं, यानी कि 2 - 0 = 2 मिला। फिर फंक्शन जो है ना fx है, फंक्शन है हमारा x² + 1, क्लियर, ये n है जी है ना, ये हो गया। अब उसके बाद एक फॉर्म दिखा देंगे कि जो लिमिट होता है a to b fx dx, 0 a to b है ना, a से b fx dx होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ सम का, लिमिट h टेस्ट 0 h एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस डॉट करके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये लास्ट टर्म को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो मुझे इंटीग्रेशन करना है a to b करने का मकसद है कि 0 to 2 है, 0 से 2 है ना, और फंक्शन जो यहाँ पर x² + 1 है dx, तो इस फॉर्म में पहले पुट कर लेते हैं, लिमिट h टेंड 0 h एफ ए, ए मतलब ए ए ए 0 है ना, 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ 0 प्लस 2h प्लस एफ 0 प्लस 3h, ठीक है, डॉट इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लियर। लिमिट एच टेंस टू 0 लिखा, एच का एच लिखा है ना, एफ 0, देखिए फंक्शन में 0 बैठाइए, 0 बैठाइए यानी एक जगह 0 बैठाइए, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 यानी 1 आएगा, 0 + h तो एच ही मान लेते हैं ना जी है ना, एच ही ना आएगा, एच बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, h² + 1, 2h बैठाएंगे यहाँ पे तो 2h² + 1 यानी कि प्लस में 2h² + 1 आएगा, प्लस इसी तरह से इसका भी आएगा 3h² + 1, वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं 3h है ना, देखिए तो 3h² + 1 बनेगा ना यहाँ पर, वही बात है, इस तरह करके डॉट यहाँ पर आएगा an - 1 × h² + 1 करके आएगा लास्ट वाला, तो देखिए 1 1 नंबर, देखिए 1 1 1 1 सब जगह जो है ना जोड़ना है, 1 1 कहाँ तक जोड़ना है, 1 n टाइम तक 1 जोड़ना है, मतलब 1 जो जोड़ना है वो n टाइम्स तक, ठीक है। प्लस अब स्क्वायर रूल देखिए, यहाँ h² यहाँ भी h² यहाँ भी h² हर जगह पर h², तो h² जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ h² कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, डॉट h² कॉमन तो n - 1 का h का कॉमन, लेकिन n - 1² कॉमन आएगा, h छूट रहा, देखिए n का n प्लस h² का h² इसका जो है ना इतना का, इसका फॉर्मूला होता है जी n × n - 1 2n - 1 / 6,
क्लियर ना, इसका फॉर्मूला होता है ना, एन के एन प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, एन एच बनाना सोचेंगे, स्क्वायर नहीं लाने का, एच स्क्वायर है तो एक एच यही रख लेते हैं एन एच, ठीक है, एक एच यहां वाला जो बचा ना इसमें इस ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो एन एच माइनस एच हो जाएगा, बाकी टू एन माइनस वन उसी तरह से बटा सिक्स। अब एच गुणा कर लीजिए तो ये आपका एन एच हो जाएगा जी, प्लस एन एच तो ठीक है, ये जो एच है गुना ही मैंने, चाहे यहां गुना रखे यहां रखे या इसमें रखे तो गुना ही है, ठीक है ना, तो एन एच एन एच माइनस एच ये ठीक है, एच जो है ना इस ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, यानी कि टू एन एच माइनस एच बटा सिक्स, ऐसा फायदा कर जाएगा। अब लिमिट वैल्यू अप्लाई कर लीजिए, एन एच का वैल्यू निकला था दो, देखिए है ना, दो पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस दो इंटू दो माइनस जीरो, एच के जा जीरो, दो इंटू दो माइनस जीरो बट छ, दो प्लस देखिए दो दुनिया चार, चार दुनिया आठ, आठ दुनिया सोलह बट छ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, छः दुनिया बारह और प्लस सोलह बट छ, ठीक है ना, तो सोलह और बारह कितने हो गए, छः दो आठ दो अट्ठाईस बट छः, दो से बाढ़ दीजिए, दो तिया छः दो चौदह दो अट्ठाईस, यानी कि चौदह बट्टा तीन स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो आंसर आया वो आप चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आया या गलत आया है ना, देखिए मैं बता दूं, चेक कर दो, देखिए आंसर है नहीं है चौदह बट्टा तीन है ना, चेक करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए आप इसको सिंपल से इंटीग्रेशन कर लीजिएगा पहले, है ना, मतलब रफली बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा तीन होता है, प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स, जीरो से टू है, जीरो से टू पहले दो पुट है, ये पुट करिए एक जगह पर, तो दो का स्क्वायर कितना, दो का क्यूब है ना आठ आएगा बटा तीन, प्लस फिर दो ये पुट हो गया माइनस, फिर जीरो पुट करेंगे, जीरो बटा तीन प्लस जीरो, देखिए छः तीन दुनिया छः और आठ चौदह बटा तीन यूनिट, ठीक है ना, आंसर आया नहीं है चौदह बटा तीन, चौदह बटा तीन ही तो था, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रोसेस आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेट बोल रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई प्लस फोर जे प्लस टू के, बी वेक्टर बराबर थ्री आई माइनस टू जे प्लस सेवन के, एंड सी वेक्टर बराबर टू आई माइनस जे प्लस फोर के, मैंने लिख लिया, ठीक है ना, ये वेक्टर दिया हुआ है, बोलता है फाइंड डी, फाइंड ए वेक्टर डी, ए डी वेक्टर फाइंड करना आपको, ए बी सी ठीक है, डी वेक्टर फाइंड करना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो डी वेक्टर जो है ना जो फाइंड कर रहे हैं, करने बोल रहा है, वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर भी और बी वेक्टर पर भी, ठीक है ना, एंड और सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, देखिए पहले लिखेंगे गिवन, ये सब मैंने लिख लिया है ना, एंड करके लिख लेते हैं, सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर दिया कितना, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 दिया हुआ, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ चीज़ है, तो हम लोग को जो डी वेक्टर निकालना है जी, उसके लिए मैं मान लेता हूँ लेट डी वेक्टर बराबर ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर मांग लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डी वेक्टर है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पर, ए वेक्टर पर, ए वेक्टर, दैट इज विच इम्प्लाइज कि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर जीरो है ना, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, डी के वैल्यू बी वन जे प्लस सी वन के डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब आई प्लस फोर जे प्लस टू के, आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं जी, आई को आई के साथ तो ए वन, फोर बी वन है ना, और प्लस टू सी वन बराबर जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, एंड और क्वेश्चन क्या दिया था, डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर हो गया, एंड बी वेक्टर पर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर,
which implies that d vector dot b vector बराबर 0. डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर आपका मालूम है 3i माइनस 2j प्लस 7k बराबर 0. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी. तो 3a1 माइनस 2b1 प्लस 7c1 बराबर 0 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है ना. इतना होने के बाद जो है ना हम लोग निकालेंगे आल्सो. आल्सो क्या दिया था, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 दिया हुआ, एंड सी वेक्टर डॉट डी इज इक्वल टू डी वेक्टर डॉट इक्वल टू 15 है ना, ये दिया हुआ. तो सी वेक्टर मानो 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट डी वेक्टर, यानी कि डी वेक्टर का हम लोगों ने माना था a1i प्लस b1j प्लस c1k, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है बराबर 15 दिया हुआ. 2a1 माइनस 1 माइनस b माइनस b1 प्लस 4c1, ठीक है बराबर 15. इक्वेशन नंबर 3 हो गया. देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकल चुका है ना. अब हम लोग जो है वो सिंपल सा निकाल सकते हैं. ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में था a1 प्लस 4b1 प्लस 2c1, a1 प्लस 4b1 प्लस 2c1, ठीक है बराबर 0. और सेकंड में 3a1 माइनस 2b1 प्लस 7c1 बराबर 0, ठीक है. अब देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना. तो अब हम लोग इक्वेट का फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर. इसमें 3 है, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना. तो क्या बन जाएगा, 3a1 प्लस 12b1 प्लस 6c1 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा. तो 12b1 और 2b1 तो 14b1 6c1 और एक कट जाएगा तो नहीं, 6 में से 7 घटेगा ना, तो माइनस c1 बचेगा ना बराबर 0. ये इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं. क्लियर, ध्यान दीजिए हमने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा किया, माना एक क्वेश्चन निकाला हमने है ना, पहला दूसरा सॉल्व किया, ठीक है ना. अब इसके बाद दूसरा तीसरा सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना. चलिए ये क्वेश्चन 4 अलग हो गया, ठीक है ना. अभी लेकिन सॉल्विंग इक्वेशन 3 2 एंड 3 2 एंड 3, देखिए 2 का 3a1 माइनस 2b1 प्लस 7c1 बराबर 0 है, और 3 का है 2a1 माइनस b1 प्लस 4c1 बराबर 15. तो ये दूसरा है, ये तीसरा है. इसमें सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 2 से कर लेते हैं, है ना. तो कितना हो जाएगा जी, 6a1 माइनस 4b1 प्लस 14c1 बराबर 0, 6a1 माइनस 3b1 प्लस 12c1 बराबर 15 होती है 45, माइनस कट जाएगा. तो 4b1 में से 3b1 जुटेगा तो माइनस b1 बचेगा, है ना. 14 में से 12 घटेगा तो बचेगा जी प्लस 2c1. इक्वेशन नंबर, अच्छा यह माइनस 45 आ रहा है. इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना. अभी हम लोगों ने 4 निकाला था, हाँ 4 निकला था ना. 4 और 5 को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं. सॉल्विंग
इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 का कितना था, 14b1 माइनस c1 बराबर कितना है 0। और पांचवा जो है -b1 + 2c1 बराबर -45। ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो अब जो है ना सॉल्व करना होगा इसको, है ना। तो c वाला इक्वेट कर लेते हैं ना, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें से 1 से गुना कर लेते हैं। तो 28b1 - 2c1 बराबर 0, इसमें 1 से -b1 + 2c1 बराबर -45 है। माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं, कट जाएगा। एडिंग, ठीक है ना, एडिंग मतलब जोड़ने पर 28 है, यहाँ जाके जुटेगा तो यानी कि 27b1 बचेगा, ये तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा बराबर -45। तो b1 बराबर -45/27, है ना। तो अब कट जाएंगे क्या, 3 से 9 से कट जाएंगे, 9 3 27, 9 5 45। तो b1 बराबर -5/3 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका b1 इन इक्वेशन 4। तो देखिए 14b1 b1 का -5/3 और -c1 है ना, -c1 बराबर 0। तो ये आपका -14 5 70 -70/3 -c1 बराबर 0, ये इधर भेज दीजिए, -c1 = 70/3 हो जाएगा जी। माइनस हटा देंगे तो c1 = -70/3 हो जाएगा, है ना। अब ए, अब सी का वैल्यू निकल चुका है, b1 का वैल्यू, c1 का निकल चुका है और b1 का भी निकल चुका है। ये दोनों वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन हम लोग 1 में रख लेंगे, ठीक है ना। 1 में देखिए क्या है, 1 में, है ना। तो 1 में पुट करेंगे जी, देखिए हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ b1 एंड c1 इन इक्वेशन 1, है ना। 1 जो है तो देखिए a1 का a1, 4 का 4, b1 का वैल्यू -5/3 निकला था, 2 c1 का -70/3, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, a1 - 20/3 7 × 14 - 140/3 बराबर 0। ये सबको इधर भेज देते हैं, a1 बराबर आपको मिल जाएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा 3, सब प्लस में आ जाएगा, है ना। 20 + 140 यानी कि a1 = 140 और 20 कितना हो गया जी, 160/3, है ना। तो ये आपका वैल्यूज आ गया, इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड डी वेक्टर। तो हमने माना था a1 i + b1j, है ना, + c1 के यही ना माना था बराबर a1 का 160/3 i, b1 का -5/3j, c1 का आपका -70/3 k वेक्टर, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका जो है ना और का क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड = 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड = 2 दिया हुआ, ठीक है। एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर = 0 दिया जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो वैल्यूज ज्ञात करना है a⃗⃗ b⃗⃗ + b⃗⃗⃗ c⃗⃗⃗⃗ का, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है, इसे आप लिख सकते हैं गिवन, है ना, गिवन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 4, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 2 और a + b + c = 0, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है वो यही फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं वी हैव टू फाइंड a⃗⃗⃗ b⃗⃗⃗ + b⃗⃗⃗⃗ c⃗⃗⃗⃗, क्लियर ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि अब आपको यह फॉर्मूला पता होगा a + b + c² है ना। इसका होता है जी a² + b² + c² + 2 times of a⋅b, है ना, a b + b c
प्लस सी ए, है ना, होता है ना। तो हम लोग वही काम करेंगे क्योंकि यहाँ डॉट में निकालना, ए बी बी सी सी ए, है ना, तो आपको मिलेगा। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर कर दिया, इधर जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना, प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी सी, है ना, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी ए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बराबर इधर जीरो है। अब जिसका जिसका वैल्यू मालूम है आपको वो वैल्यू पुट कर लीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है आपको, है ना, दिया है ना वन, ठीक है वन यूज कर लेते हैं, वन का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोर, फोर यूज कर लेते हैं जी, फोर का स्क्वायर, सी वेक्टर का दिया हुआ है यहाँ पे टू, तो टू का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इसका जो दिया हुआ ना टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी तरह से लिखा गया, बराबर जीरो, क्लियर। तो आप इसे लिख सकते हो वन प्लस इसे आप 16 प्लस फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्लियर, बराबर जीरो, ऐड कर लेते हैं 16 4 20 और 21। ये जो प्लस के नंबर है ना दूसरे साइड भेज देते हैं, यानी इसको नंबर यहीं रहने देते हैं, टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बराबर कितने हो गए, -21, ठीक है ना। तो मुझे जो फाइंड करना है इसी पार्ट को, तो ये दो भी है ना सुबह टेम कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितने हो जाएंगे, -21/2, ठीक है ना, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ठीक है ना, यहां पर दिया है फाइंड द एंगल, क्वेश्चन जो है ना फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ये लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ, आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है ना, और दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k, देखिए मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है ना, तो हम इसे लिखेंगे, ये दिया हुआ है ना तो लिख देंगे कि गिवन, ठीक है, ये गिवन में लिखेंगे। तो एक बात आपको बता दूं, दैट इज करके लिखेंगे कि ये जो फॉर्म होता है ना आर वेक्टर बराबर, इस पार्ट को हम लोग a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आर वेक्टर बराबर इसे आप a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, क्लियर। तो जब ऐसा फॉर्म होता है ना, ऐसा फॉर्म होता है, ये वेक्टर फॉर्म है लाइन का इक्वेशन का, ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं पहले हेयर हेयर b1 वेक्टर बराबर आपका ये वैल्यू हो जाएगा लेमडा के साथ, देखिए जो है उसको b1 बोला मैंने, i प्लस 2j प्लस 2k, b2 वेक्टर ये वाला वैल्यू है ना 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये आपका हो गया। तो सिंस एंगल जो फॉर्मूला होता है जी, सिंस cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है जो है ना, वो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एंगल एंगल का। तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर का वैल्यू यूज कर लेते हैं, i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b2 का 3i प्लस 2j प्लस 6k बटा b1 का मैग्नीट्यूड है ना, b का, देखिए b1 तो i j k का जो भी कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस
दो का स्क्वायर चार, ठीक है डॉट। बी टू का देखिए तीन का स्क्वायर नाइन है ना, दो का स्क्वायर चार, छः का स्क्वायर छत्तीस, ये आपका इस तरह हो गया। आप स्क्वायर करके लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई को आई के साथ गुणा करते तो यहाँ पर वन है, यहाँ थ्री है, तो थ्री आ जाएंगे है ना। प्लस टू टू जा फोर, दो दूने चार, प्लस दो छक्का बारह, बट्टा देखिए चार चार आठ, एक नौ हो गए, रूट में नाइन आएंगे, नाइन का रूट थ्री हो जाएंगे है कि नहीं। छत्तीस और चार चालीस, चालीस और नौ उनचास, उनचास रूट उनचास उसके साथ हो जाएंगे, तो आपको मिलेंगे क्या बारह चार सोलह, सोलह और तीन उन्नीस, बट्टा सत्या इक्कीस, कॉस थीटा बराबर ये मिल रहा सब। तो थीटा बराबर आपको जो निकालना है वो मिल सकता है कॉस इनवर्स उन्नीस बट्टा इक्कीस, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।